आइए मां आद्य शक्ति की अनुकंपा से और भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव की छत्र छाया में बैठ करके आज हम सभी भक्तगण तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो श्री हरि की झांकी को अपने हृदय में विराजमान करके सभी भक्तगण भाव के साथ कथा श्रवण करें। कल हम सभी ने कथा श्रवण की कि किस तरह श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को वर्णन सुनाया है कि किस तरह से श्री शुभदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और कैसे श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ है, कैसे उनको श्राप लगता है और फिर श्री शुभदेव जी महाराज अवधूत वेश धारण करके संत मंडली के मध्य में उपस्थित होते हैं। उनको देखकर के सभी ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं, उच्च स्थान पर बिठाया है। श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री शुभदेव जी महाराज के चरणों में वंदन किया है और सर्वप्रथम एक ही प्रश्न किया है कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कल्याण का साधन क्या है, कैसे कल्याण होगा। तो श्री शुभदेव जी महाराज ने बताया, राजन आपके पास 7 दिन का समय है और आपको चिंता नहीं करनी। क्या करना है कि आत्मा का बस ये जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का उपदेश दे रहे हैं और सर्वप्रथम सृष्टि का वर्णन सुनाया है कैसे सृष्टि का विस्तार होता है। तो इस तरह से इस सृष्टि के पहले स्त्री और पुरुष कौन हुए, मनु और शत्रुपा। इनको कहा गया कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र हुए। कल आप सभी ने श्रवण किया था कि आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और इनकी जो तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। दक्ष प्रजापति की कन्या है जिनका नाम है सती और इन्हीं सती का विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ है। श्री शुभदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं और श्री परीक्षित जी महाराज बड़े भाव के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री शुभदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत चरित्र श्रवण कराने वाला हूं। बड़ी उत्सुकता के साथ श्री परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले अब जो मैं तुम्हें कथा श्रवण कराऊंगा उस कथा का नाम है सती चरित्र। श्री परीक्षित जी महाराज को शुभदेव जी कह रहे हैं, इधर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रामायण कहती है कि एक बारी Oh, oh, oh.
माता कौन थी? संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिले शंकर भगवान की जय। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव मैया सती को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के यहां कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। अब आप तो जानते हैं कि जहां ईश्वर की कथा हो, जहां प्रभु श्री राम की कथा गाई जा रही हो, तो वहां भगवान शिव अवश्य पहुंचते हैं। तो मैया सती ने कहा, बोले महाराज आप अकेले अकेले कथा सुनेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम भी आपके साथ चले। अब देखो ऐसी माताएं बहुत कम मिलती हैं जो भगवान के भजन में ज्यादा ध्यान रखें। घूमने फिरने की बात हो तो माताएं सज धज के चल देती है, और वहीं सत्संग की बात आए तो माता थोड़ी सी, ये लाइन आपके लिए नहीं है, आप अपने ऊपर मत लेना, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ये उन माताओं के लिए जो कथा में नहीं आई। तो मैया पार्वती कहती, बोले हम भी आपके साथ चलेंगे। तो दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अब कुंभज ऋषि ने देखा कि भगवान शिव मेरे यहां आए हैं, तो भगवान शिव का आगमन करने के लिए कुंभज ऋषि अपने स्थान से खड़े हो गए और भगवान शिव को वंदन करने लगे। अब भगवान शिव को तो सारी लीला समझ में आ रही है, लेकिन मैया सोच रही है कि ये कैसा ऋषि है, कैसे बाबा है जो हमारे स्वामी को देख करके इस उच्च आसन से उठ गए, आखिर ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। तो कुंभज ऋषि ने भगवान शिव का स्वागत करने के बाद फिर उसी स्थान पर बैठ गए और भगवान की कथा सुनाने लगे। तो संत कहते हैं कि ना जाने या तो ये भाव था या कोई और भाव मैया सती के मन में आया, सो मैया सती का मन कथा श्रवण करने में नहीं लगा। अब एक बात ध्यान से सुनना कि जब कथा में आते हैं, अगर ये कथा ध्यान से ना सुनी जाए तो ये कथा भक्त के लिए व्यथा कैसे बन जाती है, ये कथा भी हमें इसी कथा को सुनने के बाद पता चलता है। और मैया सती के लिए कथा कैसे व्यथा बन गई, जरा ध्यान से सुनो। अब तो महाराज बड़े भाव के साथ कथा श्रवण किए भगवान शिव, मैया सती का मन नहीं लगा। कथा का विश्राम होता है, भगवान शिव प्रसाद लेकर के मैया सती के साथ वहां से चल देते हैं। इधर भगवान राम का अवतार हो चुका था और भगवान ने अपनी लीलाओं को करना शुरू कर दिया था। तो श्री राम भगवान ने लीला रचाई कि रावण हरण करके लेके गया माता जानकी का, और भगवान श्री राम माता जानकी की खोज में हे सीते तुम कहाँ हो, इस तरह से विलाप करते हुए जा रहे हैं। भगवान शिव ने देखा तो देख करके अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया है, वहां प्रभु आपकी लीला को बार बार नमन है, बार बार वंदन है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जोरी पाने प्रभु की प्रणाम
बाद भगवान शिव को मैया एक प्रश्न और करते हैं, बोले जिनको आप प्रणाम कर रहे हो ये है कौन? बोले आप जानना चाहती हो ये कौन है? ये मेरे आराध्य देवराम है। और ये अवतार लेते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, और ये लीला कर रहे हैं। बोले ये अवतारी हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? तो मैया कहती है, बोले अगर ये अवतारी होते तो क्या एक स्त्री के वियोग में हे सीते कहते कहते ये इस तरह से वनों में घूम रहे होते? मैं तो मान ही नहीं सकती। बोले मान जाओ, ये भगवान श्री राम है। बोले मैं तो ऐसे मानूंगी ही नहीं। बोले तो फिर कैसे मानोगी? बोले मैं तो परीक्षा लूंगी, और जब तक ये मेरी परीक्षा में पास नहीं होंगे तब तक मुझे ये मालूम नहीं होगा कि एक साधारण पुरुष है या फिर ये एक अवतारी है। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन मैया की समझ में एक बात नहीं आई, क्योंकि संत समाज कहती है कि बालहट और योगीहट, राजहट और चौथी है त्रियाहट। जब मैया अपनी हट पे आ जाए, जिद पे आ जाए, तो फिर ये किसी की नहीं सुनती, चाहे आम इंसान हो या फिर कोई गांव का सरपंच हो या फिर कोई सीएम हो या फिर कोई पीएम हो और या फिर स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। तो मैया बोली महाराज मैं तो परीक्षा लूंगी। तो भगवान कहते हैं, बोले अगर तुम्हें परीक्षा लेनी है तो तुम जाओ, मैं यही वटवृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करूंगा। अब तो जहां प्रभु श्री राम आगे आगे जा रहे हैं, हे सीते कहते कहते तो मैया ने माता सीता का रूप धारण किया और प्रभु श्री राम के आगे आगे चलने लगी, और विचार कर रही है कि अगर ये अवतारी है तो मुझे पहचान लेंगे, और अगर कोई साधारण पुरुष है तो सीता समझ के मेरा हाथ पकड़ लेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ही प्रभु श्री राम ने मैया को देखा तो हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा मैया की जोरी पानी प्रभु की प्रणाम पिता समेत चंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय। भगवान शिव हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, अपने पिताजी के सहित अपना नाम बताया, मैं दशरथ पुत्र राम हूं, और विष केतु भगवान शिव कहां है, आप यहां अकेले कैसे घूम रही हैं? जैसे ही प्रभु श्री राम ने कहा तो मैया के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, मैया का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे। मैया को समझ में नहीं आ रहा आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, क्या करूं और क्या ना करूं।
मैया ने जैसे ही देखा कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, मैया ने वहां से दौड़ लगा ली। और मैया जैसे ही दौड़ते जा रही हैं, जिधर भी आज नजर घुमा के देख रही हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता देख सती अति भई संभीता राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम हो हो हृदय कंप तन सुधि कछु नाही सोई लक्ष्मण सीता जिधर भी नजर घुमा रही हैं प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी वही झांकी दिखाई दे रही है। मैया को कुछ भी समझ में नहीं आया, मैया ने नेत्र बंद किए अपने सिर पर हाथ रखा और मैया वहीं बैठ गई। कुछ देर के पश्चात मैया ने अपनी आंखें खोली तो मैया को कुछ दिखाई नहीं दिया। अब तो मैया दौड़ते दौड़ते वहीं पहुंच गई जहां भगवान शिव अपनी समाधि लगा के बैठे थे। और भगवान शिव के पास जैसे ही मैया पहुंची है तो भगवान शिव कहते हैं हाँ हो गई परीक्षा, कहो कैसी रही परीक्षा में पास हुए कि नहीं। आज तो मैया कहने लगी बोले नहीं नहीं स्वामी मैं गई तो थी परीक्षा लेने, मेरे मन में शंका थी कि मैं परीक्षा लूंगी लेकिन जब मैं उनके पास गई तो मुझे भरोसा हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये अवतारी है, इसीलिए मैंने उनको प्रणाम किया और मैं वहां से वापस आ गई। कथा ध्यान से नहीं सुनी तो मैया के लिए कथा व्यथा बन गई। एक तो भगवान की परीक्षा लेने चली गई, दूसरा अपने स्वामी से आकर के मैया ने झूठ बोल दिया, झूठ बोल रही कोई परीक्षा नहीं हुई। अब भगवान तो सब जानते हैं, भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद करके जो चरित्र सती जी ने वहां रचा था वो सब जान लिया। और मन ही मन भगवान शिव ने संकल्प किया, वो स्वामी जी कहते हैं कि शिव संकल्प कीन मन माही जातन भेट सती अब नाही। क्योंकि जगत माता का रूप सती जी धारण कर चुकी है तो अब मैं इन्हें पत्नी दृष्टि से नहीं देख सकता। और मैया सती का भगवान ने आज त्याग कर दिया है, कैलाश पर्वत पर आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं राजन एक रोज मैया सती को पता चला कि स्वामी के द्वारा हमारा त्याग हो चुका है। भगवान शिव नित्य प्रतिदिन मैया को नाना प्रकार की कथाएं सुनाते थे ताकि इनका मन इधर उधर ना मचले। जब मैया सती ने जाना तो नित्य प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनती, धीरे धीरे समय बीता। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन एक रोज मैया सती क्या देखती हैं कि आकाश में सुंदर सुंदर से विमान उड़ करके जा रहे हैं। तो मैया सती कहती है बोली महाराज ये सुंदर सुंदर से विमान उड़ करके कहां जा रहे हैं।
देखो सुंदरियां इतना सुंदर गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं, सब जा रहे हैं, आखिर कहां की तैयारी हो रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सती विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुंदर सुंदर से विमान देखे तो कार पूछने लगी कि महाराज ये सब कहां जा रहे हैं। तो भगवान शिव कहते बोले, तुम्हारे पिताजी राजा दक्ष जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, तो ये सभी देव उसी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो मैया कहती है, बोले हमारे पिताजी के यहां इतना बड़ा आयोजन होने के लिए जा रहा है, तो क्या हम नहीं जाएंगे? तो भगवान शिव कहते हैं, अरे देखो बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मैया कहती है, बोले वो तो हमारे पिताजी हैं, उन्होंने पाल पोस के हमें इतना बड़ा किया है, तो क्यों नहीं जाना चाहिए? बोले पिताजी हो या अन्य कोई हो, जब तक आपके पास निमंत्रण ना आए तो कहीं नहीं जाना चाहिए। तो मैया को समझा रहे हैं, लेकिन मैया कह रही है, बोले नहीं नहीं महाराज, जहां बात मायके की आ जाए, जहां बात मायके की आ जाए, तो फिर तो मैया राशन पानी लेके चढ़ जाती है। बोले हम तो जरूर जाएंगे। तो मैया भी हट कर रही है, बोले प्रभु ये बताओ कि हमारे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा आयोजन है, फिर उन्होंने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो भगवान शिव कहते हैं, बोले ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा आयोजित की थी, तो उसमें सभी ऋषिगण गए थे, तो हम भी उसमें गए थे। जब तुम्हारे पिताजी का आगमन हुआ तो सभी उनको देख करके अपने अपने आसन से खड़े हो गए, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और था तो हम नहीं खड़े हुए। शायद उसी का बदला लेने के लिए तुम्हारे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो मैया कह रही है, कोई बात नहीं, अरे हम अपनी माता से मिलाएंगे, अपनी बहनों से मिलाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। अब भगवान समझा रहे हैं, बोले मत जाओ पछताओगे। भगवान कह रहे हैं, सुनो कि जो बिनु बोले जाओ भवानी रहे ना सील सने न कानी। अगर बिना बुलाए जाओगी तो कोई आदर भाव नहीं करेगा, और अगर आदर भाव ना हो तो व्यक्ति को उस जगह पे नहीं जाना चाहिए, बुलाए तो ही जाओ। लेकिन मैया को एक भी बात समझ में नहीं आ रही, बोले वहां हमारी सारी बहनें आई होंगी महाराज, हम तो जरूर जाएंगे। अब देखो जब भी मैया कभी कई बार घर में होता है कि झगड़े होते हैं, और ब्रज में कहते हैं कि जिस घर में चार बर्तन होंगे तो वो खुड़केंगे जरूर, बजेंगे जरूर। तो जब भी कभी घर में झगड़ा हो तो घर छोड़ के उस दिन मत जाना,
चाहे दो दिन बाद चले जाना। और माताओं का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन पुरुष और माता का झगड़ा हो जाए तो माताओं का तो पता रहता है ज्यादा ज्यादा कहाँ जाएंगी, अपने मायके जाएंगी, और पुरुष का तो पता ही नहीं होता कहाँ जाएंगे। तो जब भी झगड़ा हो उस दिन घर छोड़ के ना जाए। तो मैया बार बार कह रही है, बोले जाएंगे, भगवान कह रहे हैं मत जाओ, लेकिन मैया ने एक नहीं मानी और मैया तैयार होती है, बोले महाराज जाएंगे जरूर। भगवान शिव ने भी कह दिया अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। अपने कुछ गणों को भेजा है भगवान शिव ने मैया के साथ में, और धीरे धीरे माता आज अपने पिता यानी दक्ष प्रजापति के भवन की ओर पहुंची है। बड़ी चहल पहल है महाराज, बहनें आई हुई है, आपस में मिल रही हैं, बातें कर रही हैं, अपने सुख दुख की बातें कर रही हैं। अब माता सती ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पिता भवन जब गई भवानी दक्षिणासी काहुना भवन जब गई भवानी तो किसी ने कुछ हाल चाल नहीं पूछा, ठीक हो कि नहीं हो ना किसी ने, आओ भगत की है। दक्ष जी कहते हैं कि बिना बुलाए आई हो, अपने पति के साथ में रहते रहते उन्हीं के जैसी हो गई हो, बिना बुलाए आ गई। डर के मारे मैया भी नहीं आई, बहनें भी डरते डरते आ रही हैं कहीं पिताजी की डांट ना खानी पड़े। थोड़े आगे माता बड़ी है तो सबका भाग है यज्ञ में, लेकिन भगवान शिव का भाग नहीं है। माताएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन स्वामी का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैया को वो बात याद आ गई जो भगवान शिव ने बोला था कि बिना बुलाए जाओगी तो अपमान सहन करना पड़ेगा। खुद का सम्मान नहीं हुआ तो मैया सहन कर गई, लेकिन स्वामी के अपमान को मैया सहन नहीं करना कर पाई। और संत समाज कहती है कि जो मैया अपने स्वामी का निरादर होते हुए देखे, जो मैया अपने स्वामी का निरादर होते हुए देखे उनको कितना बड़ा पापी माना गया है, या जो भक्त अपने भगवान के विरुद्ध अपने कानों से बात सुने उनको कितना बड़ा पापी माना गया है। तो संतों ने गाया है कि हरि हरि निंदा सुने जो काना होए पाप गो घाट समाना। तो मैयाओं को कभी भी अपने स्वामी का अपमान नहीं करना चाहिए। और कई माताएं होती हैं कि पीठ पीछे अपने स्वामी की चुगली करती रहती हैं, ऐसे हैं वैसे हैं फलाने हैं डिकने हैं, कभी भी अपने स्वामी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो मैया आज अपने स्वामी के अपमान को सहन नहीं कर पाई, और जो यज्ञ का आयोजन किया था राजा दक्ष ने, आज भगवान शिव को ध्यान करके मैया सती उसी कुंड में अपने देह का परित्याग कर देती है।
अब तो मैया ने अपनी देह का त्याग किया, अब तो हाहाकार मच गई। भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव ने अपने कुछ गणों को भेजा। भगवान शिव के गण आकर के यज्ञ में सभी को मारने लगे, उतल पुतल मचा दिया। अब तो महाराज सभी राजा दक्ष को बड़ा बुरा भला कहने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान शिव के जो गण आए हुए थे उन्होंने राजा दक्ष को पकड़ा और अंत में राजा दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया और उस यज्ञ में डाल दिया। अब तो सभी विचार करने लगे, क्योंकि धर्म का कार्य है, अब जो धर्म का कार्य होता है वो जब आरंभ होता है तो विश्राम भी होता है। सब विचार करने लगे कि अब कैसे होना चाहिए। तो इधर सभी ने फिर भगवान शिव की आराधना की है। भगवान शिव बड़े भोले भाले हैं, जो सबसे इजीली प्रसन्न हो जाते हैं, जो सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं वो हैं भगवान शिव, और इसीलिए इनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो भगवान शिव की वंदना की है, भगवान शिव आते हैं और अंत में बकरे का सर दक्ष को लगाते हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कि जिस समय माता ने अपने देह का त्याग किया तो देह त्याग करते समय माता ने अंतिम बार भगवान के चरणों में वंदन करके सिर्फ एक चीज मांगी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सती मरत हरी सन बर मांगा और जन्म जन्म पर शिव मैया सती कहती हैं कि जब भी मुझे जन्म मिले तो मेरा अनुराग भगवान शिव के चरणों में रहे। श्री सुखदेव जी महाराज माता सती के चरित्र को श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराते हैं। आप सभी सती माता का चरित्र श्रवण कर रहे हैं तो इस कथा से हमें एक सीख मिलती है कि इस भारत देश के अंदर, इस भारत भूमि में ऐसी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने अपने स्वामी का निरादर देखा तो अपनी देह को ही त्याग दिया। यानी एक नारी का धर्म क्या होता है, उसको कैसे अपने स्वामी का सम्मान करना चाहिए। इस भारत भूमि के अंदर ऐसी ऐसी देवियां हुई जिन्होंने समय आने पर खुद को साबित किया, लेकिन दुर्भाग्य कहूं मेरे भारत देश का कि जहां की बेटियां, जहां की माताएं इस भारत देश की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहती हैं, उसी भारत देश के अंदर आज इस कलयुग के अंदर उसी देवी को गर्व के अंदर मार दिया जाता है, उसी बेटी को गर्व के अंदर मार दिया जाता है। जब भी इस देश को जरूरत पड़ी, बात चाहे धर्म की हो या देश की रक्षा की हो, इस भारत देश के अंदर एक ऐसी देवी हुई जिनको नारद जी के द्वारा पता चलता है कि स्वामी की आयु मात्र एक वर्ष की है, लेकिन कहा नारद जी अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ सत्यवान के साथ में। और एक वर्ष के बाद जब यमराज उसके स्वामी के प्राणों का हरण करने के लिए आते हैं तो यमराज को भी वचनबद्ध कर लिया और अपने स्वामी के प्राणों को वापस मांग लिया। ये वो भारत देश है। बात जब इस देश की रक्षा करने की आई तो भी माताएं आगे आई और एक ऐसी भव्य आत्मा, एक ऐसी महान मूर्ति, इस ऐसी शख्सियत जिसने अपने बेटे को पीठ से बांधा और दोनों हाथों में तलवार लेकर के
इस देश को बचाने के लिए वो अंग्रेजों से लड़ जाती है। हम सभी जानते हैं इस भारत देश की माताएं गाती हैं, बहनें गाती हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भक्ति तानी थी और गुमी हुई आजादी की कीमत जिसने पहचानी थी। अरे बुंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस देश के लिए वो मर्दानी, वो वीरांगना, वो छत्राणी इस देश के लिए अपने बेटे को पीठ से बांध करके लड़ती है। और उदाहरण दें तो आज इस भारत देश के किसी भी क्षेत्र में जाके देख लो, हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। स्कूल में आप जाके देखो तो जितनी भी टॉपर मिलती हैं कौन होती हैं? बेटियां मिलती है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, आप भी बोलो हाँ कि ना। और बेटे, ऐसा नहीं कि बेटे टॉपर नहीं है, लेकिन जो प्रगति की है वो बेटियों ने ज्यादा की है इस भारत देश के अंदर। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, आज इस पांडाल के अंदर भी माताओं की संख्या ज्यादा है, बल्कि हमारे भाई बंधुओं की भी संख्या बढ़ती जा रही है। इस भारत देश के अंदर मातृशक्ति, नारी शक्ति हमेशा पूजनीय रही है, लेकिन दुर्भाग्य कि जिस नारी ने इतना कुछ मेरे देश के लिए किया, आज उस नारी को, उस बेटी को गर्व के अंदर मार दिया जाता है। और मारने वाला कौन है? स्वयं एक नारी। एक बेटी जब गर्व के अंदर होती है तो बेटी की इतने सारे सपने होते हैं, जैसे एक बेटा सपने देखता है बेटी के हजारों सपने होते हैं। और माँ को कहती है, माँ मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं एक बार इस संसार में आना चाहती हूँ। लेकिन वही माँ जो स्वयं किसी की बेटी होती है, वही माँ एक बेटी को गर्व में मरवा देती है। वो बेटी कहती है, अरे माँ माँ मुझे प्यार ना देना, दुलार ना देना, मुझे ना तेरा प्यार चाहिए ना दुलार चाहिए, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, ना खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, ना मैं तुझसे कभी कोई शिकायत करूंगी, बस इतना करना कि माँ मुझे प्यार ना देना, दुलार ना देना, लेकिन जन्म होने से पहले माँ मुझे मार ना देना, मुझे मार ना देना, मुझे जन्म तो देने दे, मुझे जन्म तो दे ताकि मैं संसार को देख लूं। लेकिन बेटी जब संसार में आ भी जाती है, जन्म ले भी लेती है, तो बेटियों को उसके बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बड़े होती है तो आधे भक्त सोचते हैं कि बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। बेटी बड़ी होती है तो बड़ी होने के बाद उसका विवाह कर देते हैं, विवाह होने के बाद भी नहीं पता कि अगला घर कैसा होगा। और कलयुग के तो घर घर में सास बहू का झगड़ा फेमस होता है। आपके यहां भी लड़ते हैं कि नहीं? जब विवाह होता है तो बहू बेटी में फर्क किया जाता है, सासू माँ बहू को बेटी ना माने और घर की जो लक्ष्मी है वो सासू माँ को माता ना माने। और कितना अंतर होता है तो कोई भक्त कहते हैं, बोले बेटी अगर ससुराल में खुश रहती है, कि बेटी अगर ससुराल में खुश रहती है तो मैयाओं को बड़ा अच्छा लगता है, हमारी बेटी तो रानी बन के रह रही है। और अगर घर में बहू प्रसन्न रहने लगे, हंसने लगे, खुश रहने लगे तो माताओं को बड़ा बुरा लगता है, पता नहीं इसको ऐसी कौन सी चीज मिल गई जो ये खुश रहती है। और अगर बेटी का पति अगर उसकी हेल्प करता है किसी कार्य में, उसकी मदद करता है, तो माताएं मालूम क्या कहती है कि हमारा दामाद हीरा है। और अगर बेटा बहू की मदद कर दे तो बस समझ जाओ
बस दामाद अच्छा है। अगर बेटी बीमार पड़ जाती है तो मैया फोन पे फोन, अरे हमारी बेटी का ख्याल नहीं रखते, दिन पे दिन दुबली होती जा रही है। और वहीं अगर घर की लक्ष्मी कमजोर पड़ जाए और थोड़ा बहुत वो अच्छा खा पी लेती है तो बहुत खाती है, पता नहीं जाता कहाँ है, लगता नहीं है पर खाती बहुत है। एक एक चीज लाके देते हैं जो भी मांगती है पर लगता नहीं है, पता नहीं कहाँ जाता है। और बेटी को अगर थोड़ा सा भी उसकी तबीयत खराब हो जाए, और एक संत तो कहते हैं कि अगर बिटिया की सास ननन थोड़ा कुछ कह दे, थोड़ा टोक दे, तो मैया कहती है बोले बड़ा हुक्म चलाती है, हमारी बेटी को नौकरानी बना के रखा है, बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा क्रोध होता है। और खुद की पुत्र वधू अगर कुछ कह दे अपनी ननन जी से तो घर में महाभारत शुरू। और जिस घर में झगड़ा होता हो, जिस घर की गृह लक्ष्मी प्रसन्न ना रहती हो, वहां लक्ष्मी माता कभी नहीं आती। लक्ष्मी माता भी विचार करती है जिस घर में पहले ही दो महान मूर्ति, जो पहले ही दो लक्ष्मी बिल्लियों की तरह लड़ती हो, मैं तीसरी जाके क्या करूंगी। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हर जो बेटी कुछ करना चाहती है, जो कुछ अरमान रखना चाहती है, उन अरमानों को पूरा करना चाहती है, तो हम उनको सपोर्ट करें। आप सभी यहां जितने भक्त बैठे हैं, अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जहां ये पाप होता हो, जहां बेटियां गर्भ में मारी जाती हो, तो उनको समझाने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करिएगा। क्योंकि बेटी है तो ये सृष्टि है, अदरवाइज बेटी नहीं है तो सृष्टि भी नहीं है। तो बेटियों का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें। इस भारत देश के अंदर नारी पूजनीय है। आज एक नारी ने अपने स्वामी का अपमान होते हुए देखा तो अपनी देह का परित्याग कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान शिव ने देखा कि इधर माता सती ने अपनी देह का त्याग किया तो अपनी सुध बुद्ध भूल गए, और सुध बुद्ध भूलने के बाद भगवान विष्णु बड़े चिंतित होते हैं। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और शंकर जी उसका संहार करते हैं, तो संतानें पैदा तो होते जा रही हैं लेकिन संहार नहीं हो रहा। तो भगवान विष्णु शंकर जी के पास जाते हैं। इधर श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन जिन मैया ने अपनी देह का त्याग किया, अगला जन्म पर्वतराज हिमाचल के यहां उनका पार्वती की देह में होता है। इधर भगवान शिव अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं। इधर माता पार्वती दिनों दिन बड़े होती हैं, पढ़ लिख कर के विदुषी बनती हैं और तपस्या करती हैं। तपस्या में भगवान शिव को पति रूप में मांगती हैं। इधर भगवान शिव की समाधि को तुड़वाते हैं भगवान विष्णु जी। इधर एक रोज नारद जी पर्वतराज हिमाचल के यहाँ आते हैं और राजा हिमाचल को कहते हैं कि अब पार्वती बड़े हो गई हैं तो इनका विवाह करना चाहिए। आप भी कहते हैं ना, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसका विवाह होना चाहिए और विवाह योग्य सुंदर वर तलाशा जाता है, तलाशा जाता है कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोला करो। तो श्री नारद जी आते हैं तो हिमाचल जी कहते हैं, बोले महाराज अब बिटिया बड़ी हो गई है तो बिटिया के लिए सुंदर सा वर तलाशेंगे। तो नारद जी को सब पता होता है। नारद जी कहते हैं, बोले हाँ वर हमने तलाश कर लिया है। तो आज हिमाचल जी जैसे ही कहते हैं, बोले आपने वर तलाश कर लिया तो हमारी कन्या भी विवाह योग्य हो गई है। तो श्री नारद जी महाराज इतना कहते हैं और भगवान विष्णु के पास आते हैं। भगवान विष्णु को आकर के कहते हैं, बोले महाराज कन्या तो हमने तलाश कर लिया, वर को आप मनाओ ताकि ये मान जाए और इनका विवाह हो जाए। अब तो भगवान विष्णु जाते हैं, बोले महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो आपका विवाह करवा दें।
तो भगवान शिव कहते हैं कि इच्छा तो नहीं है, परंतु आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा को हम टाल नहीं सकते। तो भगवान विष्णु इधर ब्रह्मा जी के द्वारा लगन पत्रिका तैयार होती है और इधर नारद जी के द्वारा सारी तैयारियां होती हैं और इधर विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हम सभी भगवान शिव के इस विवाह उत्सव में शामिल होंगे और भगवान शिव का विवाह करवाएंगे। तो भगवान शिव को सजाया जा रहा है, दूल्हा बनाया जा रहा है, इधर माता पार्वती को तैयार किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किस तरह से भगवान शिव को सजाया जा रहा है कि शिव ही शंभु गने करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोरु सवारा सियारा सियारा भगवान की जय। तो भगवान शिव को तैयार किया जा रहा है और ये दूल्हा सबसे निराला दूल्हा है। और जब भी किसी की शादी होती है तो महीनों पहले से तैयारियां हो जाती हैं और दूल्हे राजा तो स्पेशली आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है अपने लिए, खुद के लिए इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसें बनवाते हैं, लेकिन इस दूल्हे को गण तैयार कर रहे हैं। ना कोई सहरा है, भगवान शिव की जटाओं का जूड़ा बनाया, जूड़ा समझते हो, जूड़ा बना करके कोई सहरा नहीं, उसके ऊपर नागराज को विराजमान कर दिया, कानों में बिच्छू लटका दिए, बाघंबर लपेट दिया और सारे तन के ऊपर भस्म लपेट दिया। अब तो सभी सज धज के तैयार हो गए। अब ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा विष्णु ने देखा कि हम तो कितने सुंदर सुंदर, हम तो इस बारात में शामिल होने के लायक नहीं है। तो सभी ने कहा, बोले अपने अपने दल के साथ आना, यानी जितने भी ब्रह्मा जी के साथ थे सुंदर सुंदर देव, वो ब्रह्मा जी के पीछे पीछे, और जितने भी सुंदर सुंदर अन्य देवगण थे वो विष्णु जी के पीछे, भगवान शिव अकेले हैं। भगवान शिव ने देखा कि सभी के साथ उनके दल हैं और दूल्हा अकेला चल रहा है। तो भगवान शिव ने अपने गणों के साथ भूत प्रेत पिशाच सभी को बुला लिया। अब तो जैसा दूल्हा वैसे ही बराती महाराज, किसी का सर है तो किसी का धड़ नहीं है, किसी के आगे को पैर है तो किसी को पीछे को पैर है, कोई खून में लथपथ हो रहा है, किसी का चेहरा इतना डरावना कि अगर कोई साधारण मानव देख ले तो बेहोश हो जाए। अब तो महाराज भगवान शिव अपने गणों के साथ चल रहे हैं, भूत पिशाचों के साथ चल रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इशारा किया, बोले अगर ऐसे जाएंगे तो दूल्हे के साथ साथ हमारा भी कोई स्वागत नहीं करेगा। अब तो एक तरफ ब्रह्मा जी का दल चल रहा है, एक तरफ विष्णु जी का दल चल रहा है और उनके पीछे भगवान शिव का दल चल रहा है। अब नियम तो ऐसा है कि दूल्हा दिखना चाहिए,
दूल्हा तो दिख नहीं रहा, बराती दिख रहे। तो भगवान शिव विचार करते हैं कि इनके लिए भी कोई ना कोई प्रबंध करना पड़ेगा। तो भगवान शिव अपने सारे दल को लेकर के ब्रह्मा जी और विष्णु जी के आगे पहुंच जाते हैं। अब तो सब आपस में देवगण विचार कर रहे हैं, भैया पता नहीं कैसी आओ भगत होगी। तो एक छोटी सी कथा आती है, बोले ये भूत पिशाच क्यों गए थे बारात में। तो एक संत कहते हैं, बोले जब राम जी का विवाह हुआ था तो सभी देवी देवता गए थे, लेकिन बेचारे भूत पिशाच रास्ते में बैठे रो रहे थे। तो इन्होंने कहा, भैया सुंदर सुंदर लोगों को तो राम जी का विवाह देखने को मिलेगा, परंतु हमारे जैसों का कौन ले जाएगा। तो वहीं से शंकर जी गुजर रहे थे, बोले कोई बात नहीं, तुम राम जी की बारात में नहीं जा पा रहे तो तुम सब हमारी बारात में आ जाना। तो आज भूत प्रेत भगवान शिव की बारात में जा रहे हैं। आइएगा इस भाव को श्रवण करते हुए चलेंगे। कितना सुंदर दूल्हा और कितनी सुंदर बारात है। आइए भाव के साथ हम सभी भगवान शिव के इस विवाह में शामिल होंगे। तो आप सभी तैयार हैं भगवान की बारात में चलने के लिए? जोर से बोलो हाँ की ना। तो भूत प्रेतों वाली बारात में चलोगे कि देवताओं वाली में? बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। और गा रहे हैं भाव के साथ कि गले नाग काले बाघंबर है तन पे, कि गले नाग काले बाघंबर है तन पे, और कैसा चला है कि गले में लंबे लंबे नाग और बाघंबर लपेटे हुए हैं। ऐसा दूल्हा आज से पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं। कि गले नाग काले बाघंबर है तन पे, गले नाग काले बाघंबर है तन पे, चले भोले बाबा लिए संग बाराती, चले भोले बाबा लिए संग बाराती। ओ गले नाग काले बाघंबर है तन पे, गले नाग काले बाघंबर है तन पे, चले भोले बाबा लिए संग बाराती, चले भोले बाबा लिए संग बाराती। ना बारात पहले कभी ऐसी देखी, धारा सुहाती जचाओ में गंगा
भगवान शिव हमारे मध्य में आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ भगवान का अभिनंदन कर। बराती पहले आ गए और दूल्हा दूल्हा भी जा रहे, लेकिन कोई नहीं, भाव के साथ कहेंगे, है त्रिशूल कर में बंधा जिस पे डमरू, तेरे शूल कर में बंधा जिस पे डमरू, बना करके टोली भूत प्रेत नाचे, निराला है दूल्हा निराले हैं साथी, भोले बाबा बनी एक साथ तालियां बजाकर। Bye.
शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान शिव बारात लेकर के जाते हैं। अब जब बारात आती है तो नगर के लोग दौड़ करके दूल्हे को देखने जाते हैं। अब सबसे पहले दूल्हे को देखने के लिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, और दूल्हे को जैसे ही देखा तो डर के मारे वापस अपने घरों में जाके छुप गए। मैयाओं ने पूछा, अरे बच्चों दूल्हा कैसा है? बोले, अरे मैया वाके गले में तो ये लंबे लंबे सांप, आज से पहले दूल्हा तो बहुत देखे ऐसा नहीं देखा। अब तो भगवान शिव धीरे धीरे राजा हिमाचल के दरवाजे पर बैठे हैं, पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद मैया मैना थाली लेकर के आती हैं। अब तो महाराज थाली लेकर के आई और दूल्हे का आरती करती हैं, और दूल्हे का आरती करने के बाद मैया ने जैसे ही भगवान शिव को देखा तो मैया वहीं बेहोश हो जाती हैं। कुछ देर के बाद जब मैया को दूल्हे का आरती करने के बाद चक्कर खाने के बाद होश आता है तो मना कर देती है, बोले ऐसा दूल्हा आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा और हम अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो इसके पश्चात नारद जी आते हैं, नारद जी समझाते हैं, बोले ये पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराते हैं मैया सती के चरित्र को, और कहते हैं इनका विवाह भगवान शिव के ही साथ होगा। फिर मैया वरमाला लेकर के आती हैं, और वरमाला लेकर के आती हैं भगवान शिव के गले में डालने के लिए अपने सखियों के साथ बढ़ रही हैं। आइएगा भाव के साथ दो मिनट भगवान के इस विवाह में सम्मिलित होते हुए और भाव के साथ गाएंगे। हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे रामा। गाइए भाव के साथ। प्रभु जी खड़े हुए हैं, जो भी भगवान शिव के साथ हैं, तो जब मैया वरमाला गिरेंगी तो आपने तालियां के साथ अभिनंदन करना है, स्वागत करना है, उल्लास मनाना है। और जो भी हमारी मैया पार्वती के ग्रुप वाले हैं, वो जब मैया माला डालेंगी तब आपने जोरदार तालियों के साथ उत्सव मनाना है। हरे रामा हरे रामा तैयार है, पर भगवान को तो पूछ लो भगवान विवाह करेंगे कि नहीं। भगवान जी विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे? मान गए, ताली बजाओ। मैया को तो पूछ लो, मैया करेंगे कि नहीं? आप पूछो, मैया विवाह करेंगे कि नहीं? दोनों राजी। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो मैया अपने हाथों में माला ले लो, और जब मैया वरमाला गिरेंगे तो हम सब क्या करेंगे? झूमेंगे, नाचेंगे और भाव के साथ गाएंगे क्या? ओ हरे राम हरे राम 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 Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Krishna.
जोरदार तालियां बजाते हुए। अब आई भगवान जी की बारी। तो भगवान जी डाल दो माला, मैया इंतजार कर रही है कब माला डलेगी। भगवान जी अभी प्रतीक्षा करवाएंगे मैया को, क्योंकि भोलेनाथ है और हम भोले बाबा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ हमारी मैया को स्वीकार करो और भोले बाबा आप भी मैया के गले में डाल दो। हरे कृष्ण हरे सरकार की जय। तो इस तरह भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ में होता है। आइएगा भगवान के विवाह का विवाह उत्सव हमने मनाया। अब कथा की ओर ध्यान देते हुए भगवान माता जी को लेकर के पधारेंगे और हम सभी कथा का आनंद लेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर के साथ। भैया राधे राधे बोलना है, शोर नहीं मचाना, बोल दीजिए राधे राधे। तो इस तरह मैया सती का चरित्र भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। आगे मनु शत्रुपा के जो दो पुत्र हैं, यानी जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज महाराज उत्तानपाद का चरित्र श्रवण कराते हैं। और कहा जाता है प्रिय व्रतोत्तान पादों शत्रुपापते सुतो वासुदेवस्य कलया मनु शत्रुपा के दो पुत्र जिनमें उत्तानपाद जी का चरित्र श्रवण कराते हैं। उत्तान यानी ऊपर और पाद यानी चरण, जिसके चरण ऊपर की ओर होते हैं वही जीव उत्तानपाद। हम सभी उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो चरण ऊपर की ओर होते हैं। तो उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां थी जिनका नाम था सुनीति और सुरुचि। सुनीति यानी जो वेदों के बताए रास्ते पर चले, जो नीति के अनुसार चले वो सुनीति, और सुरुचि यानी जो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग चले वो सुरुचि। तो दोनों रानियों को एक एक पुत्र हुए। मैया सुनीति के जो पुत्र हैं उनका नाम है ध्रुव जी महाराज, और मैया सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए। एक रोज अपने भाई उत्तम के साथ खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज अपने मासी के पास जाते हैं, यानी सुरुचि के पास जाते हैं, और वहीं पिताजी यानी उत्तानपाद जी बैठे हुए हैं। अब खेलते खेलते उत्तम अपनी माता की गोदी में बैठ गए, तो ध्रुव जी ने सोचा कि जब उत्तम जी पिताजी की गोद में बैठे हैं, माता जी का दुलार ले रहे हैं, तो क्यों ना हम भी पिताजी की गोद में बैठे।
और जैसे ही पिताजी की गोद में बैठने वाले थे तो मैया ने हाथ पकड़ लिया। अरे मूर्ख, कहां बैठने की चेष्टा कर रहा है? तू यहां बैठने के काबिल नहीं है। अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो पहले तू भगवान का भजन कर, और भगवान का भजन करने के बाद उनसे मांगना कि तुझे मेरी कोख से उत्पन्न करें, और उसके बाद तू इस गद्दी पर बैठ सकता है। छोटा सा बालक जब अपनी मासी के मुख से ऐसे वचन सुनता है तो ध्रुव जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। रोते रोते अपनी मैया के पास आए और मैया को कह रहे हैं कि मैया, क्या वो हमारे पिताजी नहीं है? मैया कहने लगी, बेटा क्या बात हो गई? बोले, आज खेलते खेलते हम भी हमारे पिताजी की गोद में बैठने वाले थे, लेकिन मैया ने हाथ पकड़ लिया कि तुम यहां बैठने के योग्य नहीं हो। मैया सुनी थी अपने बेटा को बड़ा सुंदर उपदेश देती है और कहती है, बेटा अगर तुझे बैठना ही है तो तू कोशिश कर कि परमात्मा की गोदी में बैठ पाए। संत कहते हैं कि दरअसल में माता कहलाने योग्य वही माता है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता हो, भगवान का भक्त हो। आज मैया कह रही है कि तुझे अगर पाना है तो उस भगवान को पाने की कोशिश कर। छोटे से ध्रुव जी कह रहे हैं, मैया फिर वो भगवान मिलेंगे कहां? तो मैया कहती है, बोले बेटा जब एकांत में उसका भजन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो भक्त के भाव को देख करके भगवान एक रोज जरूर प्रसन्न होते हैं। और एकांत में यानी जंगल में बैठ के जब भी जीव भजन करता है तो भगवान उसको जरूर दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि एक बेटे को किस तरीके का बनाना है ये एक माँ के हाथ में होता है। माँ चाहे तो अपने बेटे को भक्त बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर बना दे, माँ जैसा चाहे, क्योंकि हर बालक की प्रथम गुरु माँ होती है। और जब भी बच्चा बोलता है तो सबसे पहला शब्द अपनी माँ का नाम लेता है। माँ के हाथ में पूर्णतः एक बच्चे का जीवन है। ध्रुव जी की मैया कह रही है, तुझे पाना है तो भगवान को पा। बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले एकांत में जंगल में जाके ध्यान करना, अवश्य आएंगे। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मैया अब तो हम उन्हीं परमात्मा की गोदी में बैठेंगे। मैया को प्रणाम किया, मैया ने हाथ पकड़ लिया। बोले तू जाना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, तो पहले अपनी मासी को प्रणाम करके आ, जिसने तुझे बोला कि तू पहले भगवान का भजन कर, उनसे प्रार्थना करना कि तुझे मेरी कोख से उत्पन्न करे, और फिर तू इस गद्दी पे आके बैठना। धन्य है वो माँ जो कहती है कि अपनी मासी को प्रणाम करके आ। और आज के समय में पहले तो मासी घर में आने ही नहीं देंगे, और अगर किसी मैया के बालक को किसी अड़ोसी पड़ोसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो मैया उसके दरवाजे पर जाकर के पहुंच जाएगी, मेरे बच्चे को कह ही क्यों दिया। तो मैया कह रही है पहले अपनी मासी को प्रणाम करना। एक माँ अपने बच्चे से जितना प्रेम कर सकती है, जितना दुलार कर सकती है, जितनी अच्छी उसको शिक्षा दे सकती है, उसको अच्छे मार्ग पर चला सकती है, उतना कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज कलयुग में एक बच्चा अपनी माँ के कोख से उत्पन्न होने के बाद, बड़ा होने के बाद अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। और आजकल तो जगह जगह हमारे भारत देश में देखने को मिलता है कि जब मैया को बुढ़ापा आ जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो मैया और बाबूजी का हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ऐसा मैं मानती हूँ कि आप मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, आप घर बनाइए, गौशालाओं का निर्माण कीजिए,
लेकिन वृद्धाश्रम मत बनाइए। इस भारत देश के कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो वृद्धाश्रम को देख करके अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देकर के पढ़ा लिखा करके बड़ा करती है। ध्यान से सुनना, जैसे आप माताएं अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करती हैं। एक माँ अकेली थी, बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ा बना दिया। जब बेटा बड़ा हो गया तो उसकी नौकरी लग गई। नौकरी करते करते वो अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि अपनी बूढ़ी माता को भूल गया और अपनी माँ को इस कदर भूला कि नौकरी लगने के बाद अपनी मां से कभी मिलने के लिए नहीं गया। जब शहर में ऑफिसर बन गया तो मैया एक टूटी सी झोपड़ी में बैठ करके, झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ करके उसका इंतजार करती थी कि आज मेरा बेटा आएगा, मुझसे मिलने जरूर आएगा। गांव के लोगों ने कहा, अरे मैया वो तुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा, तू आशा छोड़ दे, क्योंकि वो तो शहर में बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। मैया गांव वालों को कहती, अरे तुम नहीं जानते कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्रेम करता है, एक रोज मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा। जब वो इस देश के अंदर नौकरी करता था तो अपनी मैया से मिलने के लिए नहीं गया, तो उसको विदेश से ऑफर आता है, बाहर से ऑफर आता है और वो बाहर चला जाता है, लेकिन वो बूढ़ी मैया उसी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर के इंतजार करती है। इंतजार करते करते एक रोज गांव वालों ने कहा, अरे मैया जिस बेटे के इंतजार में तू यहां बैठी है वो तो इस देश के बाहर चला गया और उसका विवाह भी हो गया। मैया कहती है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा, लेकिन अगर उसने विवाह कर लिया तो वो मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आएगा। गांव वाले कहने लगे, अरे मैया वो तुझसे आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो इस देश में नहीं रहता है, वो तो बाहर चला गया। मैया नित्य प्रतिदिन इंतजार करती कि आज वो दिन होगा जब मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैया इंतजार करती रही लेकिन वो बेटा मिलने के लिए नहीं आया। एक रोज किसी संत का प्रवचन सुना और कहा कि अपनी मां को जीवन में जितना हो सके प्रेम करना। अब इसके बच्चे भी बड़े हो गए थे, इसके बच्चे हो गए, बड़े हो गए और इसकी कोई सेवा नहीं करते। जब इसने संत का प्रवचन सुना तो इसको अपनी मां की याद आती है और विचार करता है कि जिस मां ने मेरे लिए अपना घर तक बेच दिया, जमीन तक बेच दी, और मेरी मां एक टूटी सी झोपड़ी में रहती है, मैं उस मां से मिलकर के जरूर आऊंगा। तुरंत वहां से चला, अपने गांव पहुंचता है। इधर उसको आते आते इतनी देर हो गई कि जो उसकी मैया उसका नित्य प्रतिदिन इंतजार करती थी, अपने बेटे के इंतजार में उस मां की मृत्यु हो गई और गांव वालों ने उसको शमशान भूमि में ले जा करके अग्नि लगा दी। लेकिन जब उस मैया की मृत्यु हुई थी तो उसने अपने बेटे के लिए एक छोटी सी चिट्ठी लिख करके छोड़ी थी। गांव में गया तो गांव वालों को देखकर के उसने राम राम कहा तो गांव वालों ने, किसी ने भी उसकी राम राम नहीं ली। बोले, जो अपनी मां का नहीं हुआ वो हम सभी का क्या होगा। एक प्रश्न करता है, बोले भैया यहां मेरी मां रहती थी, आप बता सकते हो कि मेरी मां कहां है। एक ने कहा, बोले तुझे आते आते देर हो गई,
तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। बोले जिस झोपड़ी में मेरी माँ रहती थी वो झोपड़ी तो होगी, तो एक ने इशारा किया, बोले हाँ वो झोपड़ी है जहां तेरी माँ रहती थी। उस झोपड़ी के पास जाता है, झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया तो जिस चादर को उसकी माँ ओढ़ा करती थी वो चादर फटी हुई है, उस चादर को उठाता है और जोर जोर से रोता है कि जिस माँ ने मेरे पढ़ाने लिखाने में, मुझे बड़ा करने में अपना सब कुछ त्याग दिया, मैं इतना निर्दयी बेटा कैसे हो सकता हूं जो उस माँ से मिलने तक के लिए नहीं आया। विलाप करने लगा तो जैसे ही उस चादर को उठा करके अपने मस्तक से लगाता है, उस चादर के अंदर से एक चिट्ठी गिरती है और उस चिट्ठी को उठाकर के पढ़ने लगता है तो माँ ने मालूम क्या लिखा, बोले बेटा मैं जितना प्रेम तुझे पहले करती थी मैं आज भी तुझे इतना ही प्रेम करती हूं, और तू ये मत सोचना कि मैं तुझसे नाराज हूं, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं हो सकती। लेकिन मेरा जीवन पूरा हुआ और मुझे आज इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ रहा है, लेकिन तू जहां भी रहे अपनी दोनों आंखों का ख्याल जरूर रखना। क्यों? क्योंकि जब तू छोटा था तो खेलते खेलते तेरी दाई आंख में चोट लगी थी, मैंने हर एक डॉक्टर के पास ले जा करके तुझे दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, बोले अगर तुम अपनी एक आंख इसको दे दोगी तो इसकी आंख, तुम्हारी आंख इसको लग जाएगी और ये जीवन भर देखने लगेगा। उस दिन मैंने एक आंख तुझे अपनी दे दी थी, लोग मुझे अंधी कहते थे लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। तू जहां भी रहे अपनी आंखों का ख्याल जरूर रखना। क्या वो बेटा अपनी उस ग्लानी से खुद को जीवन भर माफ कर पाएगा? चाहे जीवन भर कुछ भी कर ले लेकिन जो गलती उसने की उसे कभी नहीं भुला पाएगा। हर उस यहां बैठे हुए भाई से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहूंगी, हर उस मैया से जो अपने सासू माँ का निरादर करती हो, आज दो बेटे हो जाएं या चार बेटे हो जाएं तो आपस में झगड़ा करते हैं, आजकल के पहले जमाने में जमीन बांटी जाती थी, वस्तुएं बांटी जाती थी, लेकिन आज बच्चों ने माँ बाप को ही बांट दिया। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को रखना नहीं चाहता, कहते छह महीने तुम रखना, छह महीने तुम रखना, सबसे ज्यादा जमीन का हिस्सा माँ ने तुम्हें दिया है इसीलिए तुम माँ की सेवा करोगे। लेकिन संत कहते हैं कि जिनको माँ नहीं होती उनको पूछो कि एक माँ ना होने का दर्द क्या होता है। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों से ये समय निकल जाए और तुम अपनी मां की सेवा ना कर पाओ। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कि उस मां का हमसे एहतराम क्या होगा, उसकी गोदी से बढ़कर के कयाम क्या होगा। अरे जन्नत होती है जिस मां के चरणों में, जन्नत होती है जिस मां के चरणों में, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा, उसके सर का मुकाम क्या होगा। हम कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, जब माँ के चरणों में जन्नत होती है तो सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। जब भी समय मिले तो दो घड़ी अपनी माँ के पास जरूर बैठना और पूछना कि तेरी कोई इच्छा तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप अपना सारा जीवन अपने बच्चों को दे देते हैं और अपने सपनों को भूल जाते हैं।
कोई भक्त कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। चार बेटों को बर्तन मांझ कर पाल देती है एक माँ, मगर चार बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती, एक माँ नहीं पाली जाती। जब भी समय मिले तो अपनी माँ की गोद में सर रख के जरूर कहिएगा, माँ जो तूने ये जीवन दिया, अगर मैं अपने चमड़े की जूती भी बना करके तुझे पहना दूं तो वो भी कम होगा, क्योंकि तूने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा और सारे सपनों को हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया। जन्म देने के बाद अगर बेटा शौच आदि कर देता है तो माँ खुद गीले में सोती है, लेकिन बेटे को सूखे में सुलाती है। लेकिन वही बच्चे से बुढ़ापा आने के बाद अगर माँ अपने बच्चे को 4 बार पानी लाने के लिए कहती है तो वो बेटा मना कर देता है। अपनी माँ को जरूर कहना, माँ तूने जो जन्म दिया कभी भुला नहीं पाएंगे, ना तेरा कर्ज उतार पाएंगे, क्योंकि माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ जाना, लेकिन अपनी माँ को कभी मत भूलना, क्योंकि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ। तो माँ सारी रात जगती है और अपने एक कंधे से लगा करके अपने बच्चे को सारी रात सुलाने की कोशिश करती है। क्या उस माँ को हमें भूल जाना चाहिए? कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुख लागी माँ तेरी अखियां, सारी सारी रतियाँ मेरे लिए जागी है माँ, सारी सारी मेरी निधिया पे अपनी निधिया भी, मेरी निधिया अपनी निधिया भी, तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ।
माँ को बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। विचार करो, अगर जन्म होने के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें अनाथाश्रम में छोड़ देती, तुम्हारी माँ ये सोच के तुम्हें वहां छोड़ के आ जाती कि मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकती, ये जहां रहे जैसा रहे, तो क्या तुम आज इस लायक बन पाते? अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। अगर बच्चा हंसता है तो माँ हंसती है, फिर जब माँ रोती है तो बच्चे को रोना क्यों नहीं आता? माँ बुढ़ापे में अकेले रोती रहती है मेरा बेटा, लेकिन वो बेटा दो घड़ी अपनी माँ के पास नहीं बैठता। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, तू बलिहारी है ओ मांगने पर जहां मन्नत पूरी होती है, मांगने पर जहां मन्नत पूरी होती है, इसीलिए तो माँ के चरणों में जन्नत होती है। अरे जिन बच्चों की मैया नहीं होती उन बच्चों को जाके पूछो, माँ बच्चों की जानती है, किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, तू सबसे प्यारी है ओ माँ। राधा रानी सरकार की जय। जहां भी रहे जैसे भी रहे कभी अपनी मैया को ना भूलें। आज एक मैया अपने बेटे को कहती है, बेटा पाना है तो परमात्मा की गोदी को पा, नहीं मालूम परमात्मा कैसे मिलेंगे, लेकिन माँ का आशीर्वाद लेकर के चले हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या देखते हैं, बाबा नारद के मन में आया कि एक छोटा सा बालक मेरे प्रभु को पाने के लिए आया है। तो आज तो श्री नारद जी ध्रुव जी महाराज को मार्ग में मिलते हैं और कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कहते, बाबा आपको मेरा बार बार वंदन, मैं परमात्मा को पाने के लिए जा रहा हूं। बाबा नारद कहने लगे, अरे लाला जंगल में तो बड़े बड़े पशु पक्षी रहते हैं, तुझे बहुत डर लगेगा, तू चला जा। बोले, नहीं, हमारी मैया ने कहा है कि पाना है तो परमात्मा की गोदी को पा,
इसीलिए यहां से बिना भगवान के दर्शन किए तो जाएंगे ही नहीं। आज नारद जी कहने लगे, बोले तुम्हें मालूम है भगवान कैसे मिलते हैं? बोले अगर हम मैया का आशीर्वाद लेकर के आए हैं तो बाबा आप हमें कोई रास्ता बता दीजिए। आज नारद जी कहने लगे, बोले देखो बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रामायण जी कहती है कि शंकर जी के समान ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो, अगर गुरु नहीं है तो भव से पार जीव नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने लिखा है, कुर गुरु बिन भव निध तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इसीलिए जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। तो ध्रुव जी कहते हैं, बोले बाबा आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद जी ने सच्चा भक्त जान करके कहा, बेटा ठीक है, लेकिन जीवन में कैसा गुरु होना चाहिए? एक सच्चा सदगुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिष्य भी गुरु जी के पीछे पीछे जा रहे हैं और गुरु जी के मन में भी ऐसे ही भाव हैं। एक कहावत आती है कि कपटी गुरु लालची चेला और नरक कुंड में हेलम पेला। गुरुजी कपटी हैं, चेला लालची है। गुरुजी तो जा ही रहे हैं, चेले को भी ले जा रहे हैं, आजा बेटा। लेकिन एक सच्चा सदगुरु होना चाहिए, कपटी गुरु नहीं। आज तो श्री नारद जी ने भक्त भगवान का जान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र छोटे से भक्त ध्रुव जी को दिया है और कहा है, बेटा इस मंत्र का उच्चारण करना, भगवान का दर्शन जरूर होगा। अब तो श्री ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। वट वृक्ष के नीचे एकांत में यमुना जी के किनारे बैठ गए। पहले महीने ध्रुव जी ने फल खा करके भगवान का भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप कर रहे हैं। दूसरे महीने ध्रुव जी पत्ते तोड़ करके खा लेते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। जल ग्रहण करके तीसरे मंत्र ध्रुव जी ने मंत्रोच्चारण किया है। चौथे महीने सब कुछ बंद कर दिया। पांचवें महीने अपनी सांस को खींच लिया और जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास को खींचा है, अब तो देवताओं को श्वास लेना दुर्लभ हो गया। देवताओं ने भगवान से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु श्वास नहीं ले पा रहे हैं, क्या कारण है? भगवान कहते हैं, मेरा एक छोटा सा भक्त तपस्या पर बैठा हुआ है, तुम चिंता मत करो। भगवान अपना चतुर्भुजी रूप धारण करते हैं और तैयारी करते हैं भगवान अपने छोटे से भक्त के समक्ष जाने के लिए। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया और जहां भक्त ध्रुव जी भगवान का भजन कर रहे थे, चतुर्भुजी रूप धारण करके आज भगवान अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान चतुर्भुजी रूप में अपने भक्त के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन भक्त के नेत्र बंद हैं। दिव्य ज्योति ध्रुव जी के हृदय में जली हुई है। भगवान ने देखा तो दिव्य ज्योति को अपनी ओर खींचा, छोटे से भक्त के नेत्र खुल गए। भगवान भक्त को देख रहे हैं, भक्त भगवान को देख रहा है। भगवान ध्रुव जी को देख करके मुस्कुराने लगे। ध्रुव जी भगवान को देख करके मुस्कुराने लगे। ना भक्त कुछ बोलता है, ना भगवान कुछ बोलते हैं। भगवान देख के मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुरा दिए। दोनों की हंसी देख करके देवतागण मुस्कुरा दिए। इन तीनों की हंसी देख करके जो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा कह रहे, सुखदेव मुनि हंस दिए। सुखदेव जी को देख करके जो परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, परीक्षित जी महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इन पांचों को देख करके जितने भी संत समागम वहां इकट्ठा था, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। परीक्षित विचार कर रहे हैं, कितने कृपालु हैं मेरे प्रभु जो अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आए हैं। इस नन्हे से भक्त के सामने खड़े हैं। भक्त ध्रुव जी कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आज भगवान को सामने देख करके कुछ कह नहीं पा रहे। अब तो महाराज भगवान
कि स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव जी, लेकिन मालूम नहीं है कि स्तुति कैसे करें। तो भगवान ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के कपोलों से लगाया है। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, मुकं करोति वाचलम् पंगुं लंघ्यते गिरी यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दम माधवम्। जिस भगवान की अनुकंपा से गूंगे भी बोलने लगे, उन प्रभु ने दिव्य शंख को ध्रुव जी के कपोलों से लगाया, तो ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो ध्रुव जी महाराज को कहा, बेटा मांग ले, तुझे क्या चाहिए? बोले, प्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा हो गई, क्या उसको और कुछ जीवन में चाहिए? ध्रुव जी के ऊपर भगवान ने कृपा की है, ध्रुव जी को आशीर्वचन दिए हैं कि राज सुख भोगने के बाद तुम्हें मेरे लोक की प्राप्ति होगी। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को नमन किया, भगवान दर्शन देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी को मिलने के लिए आ रहे हैं। पिताजी को पता चला तो बड़े सुंदर सुंदर से रथों को सजा करके भेजा है, आज ध्रुव जी आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया की जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। भैया जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जहाँ पर राम अपनी कृपा कर दे, कृष्ण जिसके सर के ऊपर अपना हाथ रख दे, दुनिया उसका दामन पकड़ लेती है। तो ध्रुव जी महाराज ने कह दिया, बोले भैया हाथी घोड़े हमें नहीं चाहिए, हम तो पैदल ही यात्रा करेंगे। तो ध्रुव जी महाराज अपने नगर में जाते हैं। ध्रुव जी के जो छोटे भाई हैं उत्तम, वो थोड़े उद्दंड हैं। एक रोज कुबेर के बगीचे में जाकर के वहाँ वृक्षों को उखाड़ने लगे, तो यक्षों के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए जाते हैं। लेकिन उनके बाबा स्वयंभू मनु जब उन्हें समझाते हैं, बोले बेटा तुम तो संत हो, और संत को कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए, और तुम पर तो भगवान की कृपा हो चुकी है। तो स्वयंभू मनु जब समझाते हैं, तो ऐसा संत समाज कहती है कि राज्य सुख भोगने के बाद श्री ध्रुव जी महाराज कुछ वर्षों तक राज्य भी करते हैं, अपनी प्रजा का पालन पोषण करते हैं, और उसके पश्चात राज्य सुख भोगने के बाद सबसे उत्तम लोक की प्राप्ति श्री ध्रुव जी महाराज को होती है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए हैं अंग, अंग के पुत्र हुए वेन, और वेन के हुए हैं पृथु, और इन्हीं पृथु जी के नाम पर इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा है। महात्मा जो पृथु जी हैं, इनके पुत्र हुए हैं अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र हुए हैं हविरधान, और हविरधान के पुत्र हुए प्राचीन बही। इन्होंने जीवन में बड़े यज्ञ किए,
लेकिन इनसे अपने जीवन में एक गलती हो गई कि ये अपने जीवन में यज्ञ पर यज्ञ करते और उन्हीं यज्ञों में जब ये आहुति डालते तो इन्होंने हजारों जीवों की हत्या कर दी। ना जाने कितने घोड़ों की बलि दी, ना जाने कितने बकरों की बलि दी, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि यज्ञ पर यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन कितने सारे जीवों की हत्या कर दी। तो एक बार जब इन्होंने यज्ञ किया तो श्री नारद जी पधारे और नारद जी अपनी वीणा लेकर के कौन सा कीर्तन गाते हैं, श्रीमन्नारायण। जब भी कीर्तन का शब्द सुनो, जब भी गाना शुरू कर दिया करो श्रीमन्नारायण नारायण। अब गा के बताओ श्रीमन्नारायण, भाव के साथ आवाज तो आनी चाहिए। भैया देखो ऐसे कीर्तन करोगे तो भगवान तो क्या पड़ोसी भी नहीं आएंगे। बोलो राधा रानी की जय। तो नारद जी इनके यहाँ अपना वीणा लेकर के पधारे। तो नारद जी इनको जैसे ही राजा ने, राजा प्राचीन वही ने इनको देखा तो प्रणाम किया, बोले आइए पधारिए महाराज, आप आज आप जैसे संत का दर्शन हुआ, बड़ी कृपा की। नारद जी के दोनों नेत्र सजल हो गए क्योंकि जितने जीवों की हत्या इन्होंने की वो नारद जी को दिखाई दे रही, इनको नहीं पता। राजा ने प्रणाम किया, कहने लगा बोले आप जैसे संत का दर्शन हुआ। नारद जी कहने लगे बोले मैंने पापी तो बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। राजा बोला महाराज कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो यज्ञ पे यज्ञ करता हूं और आप कहते हो कि आपके जैसे पापी नहीं देखा। तो नारद जी बोले अच्छा तुमने इतने सारे यज्ञ किए, क्या तुम्हारे मन को शांति मिली? तो राजा कहने लगा बोले नहीं महाराज शांति तो नहीं मिली। बोले तुम देखना चाहते हो कि तुमने कितने जीवों की हत्याएं की? बोले आकाश की ओर दृष्टि करो। और जैसे ही राजा प्राचीन बही ने दृष्टि की तो जितने भी जीवों की हत्या उन्होंने की थी वो सारे आकाश में उन्हें दिखाई दे रहे हैं। राजा आश्चर्यचकित हो गए। श्री नारद जी कह रहे बोले जितने भी जीवों की हत्या तुमने की है ये एक एक करके तुमसे सब बदला लेंगे। राजा को समझाने के लिए एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग सुनाते हैं श्री नारद जी महाराज और भागवत में जिसका नाम है पुरंजन उपाख्यान। कहते हैं सुनो एक पुरंजन नामक राजा थे और उनके सखा हैं जिनका नाम है अविज्ञात। एक बार पुरंजन कहते हैं जीव को, एक बार पुरंजन अविज्ञात के साथ सुंदर से नगर की तलाश में निकलते हैं। तब इन्होंने हिमालय की दक्षिण दिशा में एक नौ दरवाजे का नगर देखा। तो इस दरवाजों को देख करके, नौ दरवाजे यानी हमारा शरीर, पुरंजन नामक जीव इसमें प्रवेश करता है। प्रवेश किया तो एक परम सुंदरी स्त्री के दर्शन होते हैं। तो पुरंजन इसका परिचय पूछता है, बोले तुम कौन हो, दिखने में तो बड़ी सुंदर हो। तो ये स्त्री कहती है बोले आप भी बड़े सुंदर हो। तो बोले आपका विवाह तो नहीं हुआ? बोले नहीं हमारा विवाह नहीं हुआ। तो बोले हम तुम्हारे साथ विवाह कर लेते हैं, हमारा नाम पुरंजन है और तुम्हारा नाम पुरंजनी। अब आप तो जानती हो जब नया नया विवाह होता है तो सब कितने उत्सुक होते हैं। तो अब तो पुरंजन खाता तो पुरंजनी भी खाती, अगर वो कोई कार्य करे तो पुरंजनी भी वही कार्य करे। श्री नारद जी कहते हैं ये नारी और कोई नहीं थी, ये हमारी बुद्धि। लेकिन ये अकेली नहीं है, इसके साथ पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। नगर के अंदर प्रवेश करने के बाद एक विश्वचिन नामक व्यक्ति विराजमान है। अब पुरंजन ने इस स्त्री के साथ विवाह किया। अब तो महाराज
इस नगर की रक्षा करने के लिए एक पांच फण वाला सर्प बैठा हुआ है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन एक जरा नाम की कुरूप कन्या है जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता, वो अपना विवाह करने के लिए निकल पड़ी। राजा चंडवेग के पास जाती है। राजा ने अपने कुछ सेनापतियों को भेजा और कहा तुम अपने लिए वर ढूंढ लो और विवाह कर लो। उसके साथ सेनापति भेजे, 360 कह लो या 365 कह लो, 365 गोरे और 365 काले, और कहा कि तुम जिनके साथ भी विवाह करना चाहो कर सकती हो। अब इन सेनापतियों को ले जाकर के इस जरा ने आक्रमण किया पुरंजन के ऊपर। जैसे ही पुरंजन समाप्त होने वाला था तो उसको अपनी पत्नी की याद आती है, यानी पुरंजन की याद आती है कि मेरे बिना वो कैसे रहेंगी, कहां रहेंगी, क्या करेंगी। और कहते हैं कि अंत मति सो गति, जहां व्यक्ति का अंतिम समय में मति होती है, जहां ध्यान होता है, अगला जन्म भी उसे उसी प्रकार का मिलता है। अंत में जब प्राण निकले तो स्त्री की याद आई तो अगला जन्म स्त्री का मिला। अगले जन्म में इनका विवाह होता है एक राजा के साथ में। राजा किसी युद्ध में मारा गया तो ये अपने पति के साथ सती होने वाली थी। पहले प्रचलन था कि माताएं अपने पति के साथ सती होती थी। अब जब ये सती होने की तैयारी कर रही है, अब ये तो इस स्थिति में है, अब जो इनका मित्र था अविज्ञात, उसने सोचा कि हमारा मित्र भ्रमण करने के लिए गया था, वो तो अभी तक आया नहीं, चल करके पता लगाना चाहिए आखिर कहां चला गया। सो वो ढूंढते ढूंढते पुरंजन यानी इस स्त्री के पास पहुंचे और कहा अरे तुम तो हमारे मित्र हो। तो ये स्त्री कहती है, बोले क्या बात कर रहे हो, हम तो अपने पति के साथ सती होने वाले हैं और एक पतिव्रता नारी को कहते हो कि तुम हमारे मित्र हो, अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो अविज्ञात कहता है, बोले तुम किसके लिए सती हो रही हो, अरे देखो मैं तुम्हारा मित्र, तुम एक नगर के खोज में निकले थे। और उसे पूरी कथा श्रवण कराता है, उसे पूरी कथा याद आई, बोले मैं तो तुम्हारा सदा सदा का मित्र हूं लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए, तुम मेरे मित्र पुरंजन हो और मैं तुम्हारा सखा अविज्ञात हूं। अब तो पुरंजन विचार करने लगा। संत कहते हैं कि पुरंजन कौन, हम और आप, यानी ये जीव ही पुरंजन है, जिसके साथ इसने विवाह किया यानी हमारी बुद्धि, यही पुरंजनी है। नव द्वार वाला जिसके नौ द्वार, ये हमारा शरीर है। इसके जो सैनिक हैं, इसके 10 सैनिक, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इसका जो सेनापति है, जो प्रधान है, ये है हमारा मन। पंच प्राण यानी जो 5 फलों वाला सर्प इसकी रक्षा कर रहा है, यानी जो हमारी श्वासें हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। अगर एक सांस भी रुक जाए तो जीवन की कहानी खत्म हो जाती है। जो जरा है, जो कुरूप सी स्त्री है, ये कौन है, बुढ़ापा। देखो जितने भी लोग यहां बैठे हैं सबको अपने जन्म की तिथि याद होती है, 10th 12th कब क्लियर किया ये भी सबको याद होता है, विवाह की डेट भी पता होती है कि किस तारीख में विवाह हुआ। लेकिन क्या किसी को ये पता होता है कि बुढ़ापा कब आया? ये जरा ही बुढ़ापा है, बुढ़ापा कब आ जाता है नहीं मालूम पड़ता, और चुपचाप से आकर के आक्रमण कर देता है। और कब ये बुढ़ापा हमें मृत्यु की ओर ले जाता है जीवन का पता ही नहीं चलता। और ये अविज्ञात कोई और नहीं, ये स्वयं प्रभु हैं, ये स्वयं ईश्वर हैं। वो ईश्वर कहते हैं कि संसार का बनकर रहोगे तो रोना धोना पड़ेगा, और अगर मेरा बनकर के रहोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद है। इस जीव को
जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन जीव क्या करता है, जवानी अपने व्यर्थ के कामों में निकाल देता है, और जब बुढ़ापा आता है तब इसके हाथ में भजन की माला होती है। और संत कहते हैं कि देखो, जब भी सर के बाल सफेद हो जाएं तो समझो बुढ़ापा आ गया। अब आप बोलोगे कि भाई देखो, कलयुग में इतने सारे केमिकल वाले ऑयल आ रहे हैं, तो आजकल तो बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन पहले जब भी बाल सफेद होते थे तो समझो कि मौत की पहली घंटी। लेकिन जीव कितना स्मार्ट है कि अपने बालों को कलर करेगा, अपने बालों को रंगवा लेगा, परंतु भगवान का भजन। तो संत कहते हैं, बोले जब भी तुम्हारे आंखों की रोशनी कम हो जाए तो समझ लो बुढ़ापे की दूसरी घंटी। लेकिन हम अच्छे अच्छे चश्मे लाते हैं पर भगवान का भजन नहीं करते। तो तीसरी बार, जब भी मुंह के दांत गिर जाए तो समझो कि मृत्यु देवी समीप आने वाली है, और मृत्यु की बुढ़ापे की तीसरी घंटी। लेकिन जीव डॉक्टर साहब के पास जाएगा, अच्छे से दांतों का सेट चढ़वा लेगा, फिर तो जब डॉक्टर भी कह देता है, बोले अभी ताजा ताजा सेट लगाए तो खाने में बढ़िया बढ़िया सी जो मुलायम चीजें हों वो खाना। तो जीव दांते चढ़वा लेता है परंतु भगवान का भजन। तो संत कहते हैं, तीन बार तो आपको चुनौती दी जाएगी, तीन बार आपके लिए घंटी बजाई जाएगी, तीन बार में अगर आप नहीं सुधरे तो फिर घंटी नहीं घंटा बजेगा, जब आपको यहां से और भगवान के परमधाम जाना पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह श्री नारद जी महाराज कथा श्रवण कराए राजा प्राचीन बही को, और इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराए। आगे एक कथा आती है, राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं प्रिय व्रत का चरित्र। कहते हैं राजन, प्रिय यानी प्यारा, अच्छा, सुंदर, और व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिस जीव ने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो वही जीव प्रिय व्रत है। जिनको इस जीवन से कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, और इन्होंने एक प्रण किया कि हम जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे, तो अब तो ब्रह्मा जी ने देखा, बोले अगर इन्होंने विवाह नहीं किया तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, सो प्रिय व्रत तपस्या करने के लिए चले गए। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें आकर के समझाया, बेटा तुम विवाह कर लो ताकि सृष्टि का विस्तार हो सके, सृष्टि आगे बढ़ सके। तो प्रिय व्रत जी महाराज फिर घर आए हैं, इनका विवाह विश्वरूप की पुत्री के साथ में हुआ है, इनके 10 पुत्र हुए हैं, और इनके 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है आग्नेद्र। आग्नेद्र के हुए नाभि, नाभि के बेटे हुए ऋषभदेव, और इन्हीं ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ है, जिनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हुए हैं जिनका नाम है भरत जी महाराज। तो ये भरत जी ने अपने राजपाट सब कुछ अपने बच्चों को दिया और भगवान का भजन करने लगे। गंडकी नदी के किनारे पहुंचते हैं, वहां स्नान करते हैं और मानसिक भगवान का ध्यान करते हैं। एक रोज नदी में स्नान कर रहे थे श्री भरत जी महाराज, क्या देखते हैं कि एक हिरनी जो गर्भवती है उसके पीछे कुछ सिंह पड़े हुए हैं, और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी पर छलांग लगाती है, तो जैसे ही छलांग लगाई तो उसका गर्भ जल में गिर गया, उस हिरनी का गर्भ जल में गिर गया, बहते बहते भरत जी के पास आया, तो भरत जी ने दोनों हाथों से उसको अपनी गोद में उठा लिया। अब तो भरत जी उसको अपनी कुटिया में लेकर के आए, और जैसे एक बच्चे को रखते हैं भरत जी, उसको ऐसे पालन पोषण करते हैं, उसको खिलाते, उसको नहलाते, उसको सुलाते हैं। अब तो भरत जी का मन भजन में कम और उस मृग के बच्चे में ज्यादा फंस गया। अब धीरे धीरे भजन तो कम होता गया और उसके अंदर ज्यादा मन फंस गया। धीरे धीरे समय बीता, एक रोज
वो छोटा सा मृग कुछ सिंहों के झुंड में मिलकर के चला गया। अब तो भरत जी विचार करने लगे कि वो छोटा सा मेरे बिना कैसे रहेगा, क्या पता कहीं कुछ खाएगा या नहीं खाएगा। नाना प्रकार के विचार आते हैं उनके मन में, और ऐसे कहते कहते उनकी मृत्यु समीप आई। जब अंतिम समय भरत जी का आया तो अंतिम समय में भी उनका ध्यान उसी मृगबाल में फंसा हुआ था। और संत समाज कहती है कि जहां अंतिम समय में जीव का ध्यान होता है, अगली जो जन्म होता है उसे उसी की प्राप्त होती है। मरते मरते ध्यान मृगबाल में फंसा हुआ था, तो अगला जन्म भरत जी महाराज को मृग का लेना पड़ा। क्योंकि कहते हैं अंत समय कितना भी कोशिश कर लो, भगवान का नाम मुख पर नहीं आता। जिसने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही। सिया राम सिया राम हरिलाल की जय। जिसने सारा जीवन भैया भजन नहीं किया होगा तो ये मैं सोचना अंतिम समय राम नाम मुख पे आएगा। तो भरत जी को अगला जन्म मृगबाल का मिला। अब भरत जी विचार करते हैं कि कैसे भी मुझे इस देह से छुटकारा मिले, मैं वादा करता हूं कि कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि मन किसी में मेरा फंस जाए। अब तो धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे भरत जी महाराज का उस मृग बाल की देह में शरीर पूरा हुआ है और इस देह से उनको छुटकारा मिला है। अगला जन्म भरत जी का एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ। भरत जी चार भाई थे और इनमें भरत जी सबसे छोटे हैं। भरत जी ने निश्चय कर लिया कि अब किसी में मन फंसाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। भरत जी महाराज के जो भाई थे तो वो भरत जी को कहते हैं, वैसे तो ये कुछ करता है नहीं, तो भरत जी के पिताजी चाहते थे कि ये पढ़े लिखे विद्वान बने और कुछ कमाई करके लाए, यानी कहीं दो चार विवाहों में जाकर के विवाह कराए तो जो दक्षिणा आए उससे घर का यापन हो। तो भरत जी महाराज एक भी मंत्र पढ़ना नहीं सीखे। तो एक रोज इनके भाइयों ने काम दिया, बोले जाओ तुम खेत की रखवाली करो और जितनी भी चिड़िया खेत में आकर के भोजन करें उनको खेत में से उड़ा देना। तो भरत जी महाराज वहीं बैठ गए, मेड़ के ऊपर बैठ गए। मेड़ समझते हो? हमारे वहां तो मेड़ ही बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। जो रास्ता होता है खेत पे जाने के लिए उस पर भरत जी महाराज, समझ गए कि नहीं समझ गए? जोर से बोलो हाँ कि ना, पक्की बात, फिर मत कहना कि पूछा नहीं। तो भरत जी महाराज मेड़ पे जाके बैठ गए और हाथ में डंडी लेके कह रहे हैं, हाथ में छोटा सा डंडा लेके कह रहे हैं चिड़ियाओं को कि राम जी की चिड़िया राम जी के खेत आओ आओ चिड़िया खाओ भर भर के पेट। तो जितनी भी चिड़िया आकाश में घूम रही थी बातें कर रही, अरे चलो चलो बहन वहां बड़ा अच्छा खाना मिल रहा है। तो सारी चिड़ियाएं आकर के खेत में चुग गई। भरत जी महाराज आराम से बैठे और मालूम क्या गा रहे हैं कि देने वाला राम खिलाने वाला राम, तो फिर रोकने का क्या काम।
क्योंकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। तो भैया हम कौन होते हैं जो किसी के भाग्य में आए हुए अन्न को छीने। तो आराम से भरत जी महाराज बैठे हैं, तो उनके भैयाओं ने जाकर के शिकायत की कि ये तो कुछ नहीं करता, जितना भी अनाज खेत के अंदर पड़ा हुआ था सारी चिड़ियाएं खा गई। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन इधर एक भील राजा ने माता भद्रकाली से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे यहाँ पुत्र हुआ तो मैं नर की बलि दूंगा। अब उसके वहां पुत्र हुआ, कुछ दरबारी आए और भरत जी को पकड़ के ले गए, खेत पर से उठा करके ले गए, बोले चलो तुम्हें हमारे राजा ने बुलाया है। भरत जी महाराज शांत हैं, मौन हैं, और इसीलिए वो कुछ बोलते नहीं, तो नाम पड़ गया जड़ भरत जी। तो जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, उनके साथ चले गए। तो उनको बताया गया, बोले थोड़ी देर में तुम्हारी बलि देने वाले हैं, कोई अंतिम इच्छा हो। तो भरत जी कुछ नहीं बोले, तो भरत जी के लिए नाना प्रकार के पकवान ला करके रख दिए, भरत जी आराम से खा रहे हैं। सेनापति आपस में बातें कर रहे हैं, अरे कैसा व्यक्ति है, थोड़ी देर बाद इसकी मृत्यु होने वाली है और ये आराम से भोजन कर रहा है, क्योंकि उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। कुछ देर के बाद, भोजन करने के बाद, उनको माता भद्रकाली के सामने खड़ा किया। राजा ने अपनी तलवार उठाई और जैसे ही जड़ भरत जी पर प्रहार करने वाले थे, माता भद्रकाली प्रकट हुई और हाथ में तलवार लेकर के राजा के शीश को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए भद्रकाली माता की जय, बोलिए आद्य शक्ति भवानी की जय। तो अब तुम्हारा जड़ भरत जी वहां से आते हैं, नित्य प्रतिदिन का नियम था, भरत जी महाराज बस भगवान का भजन करते थे। एक बार सिंध देश के राजा हैं जिनका नाम है राजा राहुगण, कपिल मुनि के आश्रम पर सत्संग श्रवण करने के लिए जा रहे थे। इनके चार कहार इनकी पालकी उठा करके चलते थे। तो राजा राहुगण जब कपिल मुनि के आश्रम पर कथा श्रवण करने के लिए जा रहे, तो तीन कहार तो ठीक थे, लेकिन एक कहार बीमार पड़ गया। तो कहारों ने कहा, बोले महाराज अब पालकी तो आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि एक साथी बीमार है। तो राजा राहुगण ने कहा, बोले किसी और को पकड़ के लेके आओ। तो वहीं से जड़ भरत जी गुजर रहे थे, तो जड़ भरत जी का हाथ पकड़ा, बोले तुम हमारे महाराज की पालकी को कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचवा दो। तो जड़ भरत जी उनके साथ पालकी लेकर चल रहे हैं। अब जड़ भरत जी का नियम था कि जब भी कोई चींटी आती तो जड़ भरत जी छलांग मारते थे। अब चार पांच चींटियां आगे आगे चल रही हैं, जड़ भरत जी ने देखा तो छलांग मार दी, और जैसे ही छलांग मारी तो राजा राहुगण का सर पालकी में जाके लगा। अब जब किसी का सर कहीं जाके लगेगा तो क्रोध आएगा कि नहीं? अब राजा को क्रोध आया, बोले किस मूर्ख प्राणी को पकड़ के लेके आए, अरे इसे तो चलाना भी नहीं आता। और कहा, बोले ठीक से चलाओ नहीं तो तुम्हारी मृत्यु कर दी जाएगी। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले। फिर आगे एक लंबी सी लाइन आई, फिर छलांग लगाई और इस बार धड़ाम से जाके सर लगा। राजा ने बोला, बोले पालकी यहीं रोको और इससे दो बातें कर लेने दो, ढंग से चलाए तो ठीक है। राजा राहुगण कहने लगे, बोले इतना हष्ट पुष्ट शरीर है, जरा ढंग से नहीं चला सकते। जड़ भरत जी विचार करने लगे, अगर आज मैं मौन रहा तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग कहेंगे कि जड़ भरत जी जैसे ज्ञानी के साथ रहने के बावजूद भी राजा राहुगण अज्ञानी कैसे रह गया। राजा राहुगण को आत्म उपदेश दिया है, और जो आत्म उपदेश जड़ भरत जी देते हैं, चरण पकड़ लिए राजा राहुगण ने जड़ भरत जी के, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज जड़ भरत जी का चरित्र श्रवण कराते हैं, भरत जी महाराज का चरित्र श्रवण कराते हैं। और इस भारत देश के अंदर कहा जाता है, एक बड़ा प्यारा सा दोहा आता है कि एक मृगा के कारण भरत धरी दो देह, तुलसी उनकी कौन गत जिनके जिनमें नाना नेह। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृग के अंदर मन फंसने के कारण उनको बार बार अपना शरीर बदलना पड़ा, देह का त्यागन करना पड़ा। इसीलिए कभी भी अपने मन को किसी में फंसने मत दीजिए। और कहा जाता है कि हमारी इस भारत भूमि के ऊपर
तीन भरत हुए हैं, एक केकई नंदन भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत जी और तीसरे दुष्यंत शकुंतला नंदन भरत जी महाराज। और इन्हीं भरत जी के नाम से, क्योंकि एक भरत है भक्ति योगी, एक है ज्ञान योगी और एक है कर्म योगी, और इन्हीं भरत के नाम से हमारी भारत भूमि का नाम पड़ा है, तभी हमारी इस भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा है। बोलिए भारत माता की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भाव के साथ इस जीव को भगवान का भजन करना चाहिए। कर से कर्म कर रहे विधि नाना, मन राखे हैं जहां कृपा निधाना। कर्म कीजिए लेकिन भगवान के चरणों में ध्यान रखिए, लेकिन भाव कैसा होना चाहिए? भाव होना चाहिए विदुर जी के जैसा। विदुर जी का भाव था, भगवान ने दुर्योधन की मेवाओं तक को छोड़ दिया, लेकिन भाव के कारण ध्रुव जी के यहाँ आते, विदुर जी के यहाँ आते हैं। भाव ही तो था जो ध्रुव जी को चतुर्भुजी रूप में आकर के दर्शन दिया, भाव ही तो था जो इतनी तरह की मेवाओं को ठोकर मार दी और कहा विदुर जी आपके यहाँ भोजन करेंगे। विदुर जी को पता चला कि लाडला कन्हैया आने वाला है, तो विदुरानी को कहते बोले घर को सुंदर सा सजा दो, संवार दो, मेरे कृष्ण आएंगे। विदुर जी गए थे बाजार, प्रभु आएंगे खाने के लिए इंतजाम करना है। विदुरानी घर में स्नान कर रही है, स्नान कर ही रही थी कि ठाकुर जी ने आके दरवाजा खटखटाया। रे काकी जी जरा दरवाजा तो खोलिए। जो काकी जी की आवाज सुनी, आज काकी जी दौड़े दौड़े आई, जिस अवस्था में स्नान कर रही थी कोई परवाह नहीं कि तन पर वस्त्र है या नहीं, आज तो ठाकुर से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, दरवाजा खोला। अरे लाला कितने समय से प्रतीक्षा कर रही थी, आज तू आ ही गया। ठाकुर जी ने देखा सुधबुध ही नहीं है, अपना पीला पीतांबर काकी जी के ऊपर डाल दिया। अरे लाला आ बैठ तो सही, भूख लगी होगी। बोले हाँ काकी बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ हो तो खिला दीजिए। केले उठा करके ला रही है, लाला बैठ। अरे काना बैठ, अपने हाथों से खिलाऊंगी। ठाकुर जी बैठ गए, भाव में इतनी बह गई कि पता ही नहीं चला कि फल खिला रही हूँ कि छिलका खिला रही हूँ। केला खेला फेंकते जा रही है और ठाकुर जी को छिलका खिला रही है। ठाकुर जी कह रहे काकी बड़ा आनंद आ रहा है, आज से पहले कभी ऐसा मैंने कुछ ग्रहण ही नहीं किया, इतने स्वादिष्ट फलाहार। काकी कह रही लाला और खा, कन्हैया और का, तेरे वास्ते सब। ठाकुर जी खा रहे हैं। विदुर जी आए, आवाज लगाई विदुरानी, अरे क्या कर रही हो? बोले आओ लाला आया हुआ है। दौड़े दौड़े आए, जो फल लेकर के आए थे वो वही छूट गए। आकर के ठाकुर जी को देखा, अरे राम राम, केले के छिलके तो ठाकुर जी खा रहे हैं और केला केला एक तरफ पड़े हुए। अरे क्या कर रही हो? अरे लाला को छिलके खिला रही हो। बोले अरे राम मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि केले खिला रही हूँ या छिलके खिला रही हूँ। भाव ही तो था जो दुर्योधन की मेवाओं को ठोकर मार दी। दुर्योधन ने तो नाना प्रकार के सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे, भगवान मना कर दिए। बोले भोजन दो ही अवस्था में होता है, या तो कराने वाले के मन में भाव होना चाहिए और या फिर करने वाले के पेट में जगह होनी चाहिए। तो ना तो तुम्हारा भाव है और ना ही हमें भूख है, इसीलिए हम भोजन करने जा रहे हैं। तो भावी तो था जो ठाकुर जी उसकी मेवाओं को ठुकरा करके विदुरानी के छिलके खा रहे हैं। भाव रखिए तो विदुरानी जैसा रखिए। भाव रखना है तो एक और मैया थी, मतंग ऋषि की शिष्या, और नाम था मैया शबरी। चित्रकूट के उस घाट पे रोज प्रतीक्षा करती कि मेरे राम आएंगे। गुरुजी ने बोला है कि मुझे दर्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर होगा।
और संत गाते हैं, अयोध्या वासी गाते हैं, और मिथिला वासी गाते हैं, और मधुबनी वासी गाते हैं, और ब्रिजवासी भी गाते हैं। आओ भाव के साथ गाओ, मैया शबरी कैसे इंतजार कर रही है ठाकुर जी का। बड़ा ही प्यारा भाव, क्योंकि कुछ भजन कभी भी पुराने नहीं होते। तो बड़ा सुंदर भाव है मैया शबरी का, और क्या कह रही है कि चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बार राम कब आओगे। चित्रकूट के घाट पे बैठ के इंतजार कर रही है कब आओगे प्रभु। रास्ता दोहारती है नित्य प्रतिदिन। भाव रखिएगा मैया शबरी का दोनों हाथों की तालियों के साथ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बार राम कब आओगे। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बार राम कब आओगे। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बार राम कब आओगे। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बार राम कब आओगे। भगवान वन के लिए जाते हैं तो भगवान ने देखा कि एक कुटिया है और उसमें एक बूढ़ी मैया है। तो राम जी ने सोचा कि क्यों ना इस मैया से मिलके चलूं, क्योंकि भगवान को तो लीला करनी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को, राम जी आए, मैया बुहारी लगा रही है कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंकड़ आ जाए और मेरे राम के पांव में चुभ जाए। मैया की जो खुशी है, मैया के आंखों से आंसू बह रहे हैं, राह बुहार रही है अपनी कुटिया में लेके आई राम जी को, और कह रही है अरे प्रभु, नित्य प्रतिदिन प्रतीक्षा करती थी, आज इस दासी को आपका दर्शन हो गया। मेरी इस कुटिया में बैठने को तो जगह नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे दासी की सेवा को स्वीकार करो कि अपने राम को कहां में बिठाऊं। बिछा पुराना टाड़ा राम कब आओगे। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बार राम कब आओगे। दोनों हाथों की तालियां की सेवा करते हुए जय श्री राम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे प्रभु ज्यादा तो कुछ है नहीं, छोटे छोटे पेड़, अरे छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे हैं मीठे
प्रभु ये वाला मीठा है, ये वाला खाओ। अब तो महाराज भगवान को कह रही है, प्रभु आपको प्यास भी लगी होगी, लेकिन इस दासी के पास और तो कुछ है नहीं। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, गाय का दूध दूध पे पड़ी मलाई I'm not afraid.
घाट पे शबरी देखेवा राम कब। लगता है राम जी शबरी मैया के हैं, आपके नहीं है। बोले रामचंद्र भगवान की जय, शबरी मैया की जय। तो भाव कैसा होना चाहिए, मैया शबरी के जैसा। प्रभु श्री राम आते हैं और मैया को दर्शन देते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो भाव जैसा भाव आपका होगा वैसा ही फल आपको भगवान देंगे, क्योंकि हम भगवान के लिए जब भी कुछ चढ़ाने के लिए लेकर के जाते हैं तो स्वयं के लिए तो हम अच्छी चीजें लेंगे और भगवान के लिए कहते हैं, बोले भैया मंदिर ही तो जा रहे हैं। तो कोई सेठ जी भगवान के मंदिर जाते थे, ध्यान से सुनना, सेठ जी मंदिर में जाते थे और मंदिर में हनुमान जी के लिए प्रसाद लेकर के जाते थे। एक फल होता है ना अमरूद, यहाँ तो बहुत सारे होते होंगे, होते तो अमरूद लेकर के जाते थे। तो अमरूद बेचने वाले को कहते थे, बोले कोई बात नहीं हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, जो पिचके पिचके से अमरूद है वो दे दे, कोई बात नहीं हनुमान जी को तो चढ़ाने। तो हनुमान जी के सामने लेके गया और चढ़ा दिया और हनुमान जी से मांग करता है कि प्रभु मेरे घर में पोता हो जाए पुत्र वधू को, तो मेरी आंखें भी मेरे पोते को देख लेंगी, मेरी गोदी में वो खेल लेगा। तो हनुमान जी महाराज उसके नित्य प्रतिदिन की बातों को सुनते थे। एक रोज जब भोग लेके गया, सड़े हुए अमरूद ले रखे हैं, भगवान को चढ़ा दिए और मांग रहे कि पोता हो जाए। तो हनुमान जी से चढ़ाने के बाद भगवान ने कहा ठीक है तेरे यहाँ पोता होगा। 9 महीने के बाद उसके यहाँ पोता हुआ। तो पोते का जो सिर था, जहां भी उंगली रखे वहीं से उंगली अंदर चली जाए, जहां भी उसको स्पर्श करे वहीं हाथ अंदर को चले जाए। अब दौड़ा दौड़ा हनुमान जी के पास आया, बोले प्रभु आपसे पोता तो मांगा था, पर ऐसा थोड़ा मांगा था कि जहां भी सर को स्पर्श करे वहीं उंगली अंदर चली जाती है। तो हनुमान जी से रुका नहीं गया। हनुमान जी कहते जब तू अमरूद चढ़ाने आता था तो तू कैसे अमरूद लेके आता था? बोले प्रभु जो पिचके पिचके अमरूद होते थे उन्हें लेके आता था। बोले जैसे तू अमरूद चढ़ाता था वैसे ही हमने तेरे पोते का सर कर दिया। तो जैसा आप भगवान को चढ़ाएंगे वैसा ही आपको फीडबैक मिलने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो सिर्फ भगवान भाव के भूखे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन इसके बाद में तुम्हें नरकों का वर्णन सुनाऊंगा। हमारी भूमि की दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर, वैसे तो करोड़ों नरक हैं लेकिन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। सियाराम
वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जीव जैसा कर्म करेगा फल मिलेगा। तो कहते हैं राजन, मैं तुम्हें नरकों का वर्णन सुनाता हूँ। तामिश्र नरक, अंध तामिश्र, महारौरव रौरव, अस्सी पात्र, शुकरमुख आदि ये नरक हैं। जो जीव पराए धन के ऊपर नजर डालते हैं, जो व्यक्ति या किसी स्त्री के ऊपर अपनी नजर डालते हैं या किसी के पुत्र का अपहरण करते हैं, तो उनको तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। और वहां जो इसको सजा मिलती है, जो यम के दूत हैं, वो बड़े मोटे मोटे डंडों के साथ इनकी पिटाई करते हैं अच्छे तरीके से। दूसरा अंध तामिश्र, जो विश्वासघात करता हो, जो किसी के साथ छल करता हो, जो धोखा करता हो, उन्हें अंध तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। और यहां इनको बड़ी बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। अस्सी पत्र, जो लोग पाखंडी होते हैं, जो धर्म के नाम पे पाखंड करते हैं, इनको नरक की प्राप्ति होती है। और यहां इनकी सजा होती है कि इनके शरीर के अंगों के अंदर छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं, जो लोग पाखंडी होते हैं। शुकरमुख यानी जो दूसरों को शारीरिक कष्ट देते हैं, यानी मारना पीटना। और यहां इनकी जो सजा होती है, जैसे गुड़ बनाया जाता है, गुड़ समझते हैं, तो जैसे कोल्हू चलता है, कोल्हू समझते हैं, कोल्हू चलता है, वैसे ही कोल्हू की तरह जैसे गुड़ पीसते हैं, वैसे ही इनकी पिसाई होती है। तो इसीलिए कभी भी किसी को शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जो दूसरों को कष्ट देता हो, तो इनको सर्पों के द्वारा भी, विषैले जीवों के द्वारा भी इनको दंड दिया जाता है। छार करदम नरक, जो अपने से श्रेष्ठ पुरुष को सम्मान ना देता हो, इनको छार करदम नरक में जाना पड़ता है। और इनको असंख्य पीड़ा वहां होती है। जो पिता और ब्राह्मण से, यानी कई जीव होते हैं कि अपने पिता को वैर भावना से देखते हैं, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते, ब्राह्मण को बैरी बना लेते हैं, इनको कालसूत्र नरक में जाना पड़ता है। और वहां छोटे छोटे जीव इनको काटते हैं। जो जीव छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, यानी छोटे छोटे जीवों को जो मारते हैं, जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, इनको जो मारते हैं, इनको नरक में जाना पड़ता है। और कभी भी मक्खी हो, मच्छर हो, चींटी हो, इनको नहीं मारना चाहिए। बहुत से भक्त होते हैं, मच्छर को मारने के लिए नाना प्रकार के आइडिया लगाते हैं। मच्छर को कभी मारना नहीं चाहिए। और देखो, मच्छर ऐसा जीव है जो बता करके आक्रमण करता है, फिर तुम उसे मारते क्यों? अब आप सोचोगे बताता कैसे, क्योंकि मच्छर जब भी आपको काटेगा तो आपके कान के ऊपर आके पहले शोर करता है कि नहीं, करता है कि नहीं, लेकिन फिर भी आप उसे मारते हो। कभी भी छोटे मोटे जीवों को नहीं मारना चाहिए। एक और करती है माताएं कि घर में जब भी मूषक ज्यादा हो जाए, तो मूषक को मारने के लिए नाना प्रकार की दवाइयां लाते हैं ताकि ये खा लें और पधार जाएं। जबकि मूषक तो भगवान गणेश जी का वाहन है, और मूषक की तो सेवा करनी चाहिए ताकि गणेश जी सद्बुद्धि दें। और मूषक को, गणेश जी को लड्डू पसंद है, तो मूषक जी महाराज को क्या खिलाना चाहिए? लड्डू। और आप क्या करते हो? आज से कभी भी
मुसकी हत्या नहीं करनी, कभी भी मक्खी मच्छर को नहीं मारना। तो इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। तो राजा परीक्षित एक प्रश्न करते हैं, बोले महाराज क्या इन पापों से बचा नहीं जा सकता? कई बार जो अनजाने में पाप होते हैं क्या उनसे जीव बच नहीं सकता? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इन पापों से बचा जा सकता है। जीव जहां भी हो, जो कार्य कर रहा हो, हर वक्त ईश्वर का नाम मुख पे जपे। जैसे माताएं घर में कार्य करती हैं, भोजन बनाती हैं, कोई भी कार्य आप करते हो तो कौन सा नाम मुख पे होना चाहिए? आपको प्रथम दिन बताया था, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह आप इन पापों से बच सकते हैं। श्री आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि पांच प्रकार के यज्ञ जीव को नित्य प्रतिदिन करने चाहिए। गैया मैया को आप रोटी दीजिए, अपने हाथों से गैया मैया को घास खिलाइए, चारा खिलाइए, अग्नि को रोटी डालिए, यानी जब भी आप अग्नि जलाते हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा अग्निदेव को भोग लगाएं। रोटी बना करके छोटे छोटे टुकड़े करके जल के अंदर आप मछलियों को डालें, जलाशय के अंदर। घर के बाहर आपके कोई भी भिक्षा लेने के लिए आए तो कभी भी आप उसको खाली ना लौटाएं। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लें, प्रभु आज देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो क्षमा याचना कर लें। लेकिन अगर है आपके पास, आप देने में सामर्थ्यवान हैं, तो आप उन्हें जरूर कुछ ना कुछ दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सबसे सर्वोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन है। अगर किसी पाप कर्म से बचना है, नरक से बचना है, मुक्ति पानी है, तो आप भगवान का भजन करते रहे। उसके लिए एक छोटी सी कथा भी श्रवण कराते हैं और कहते हैं, राजन जिसने पूरे जीवन कभी भगवान का नाम ना लिया हो और मरते समय अगर उसके मुख पर भगवान का नाम आ जाए तो स्वप्न में भी उसको कभी यमराज के दूत लेने नहीं आएंगे। और कहते हैं राजन, उसके लिए एक छोटी सी कथा याद आती है, तो अजामिल की कथा श्रवण कराते हैं। एक अजामिल नाम के पंडित थे, बड़े विद्वान, बड़े सुशील, बड़े तेजस्वी थे, नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करते थे। लेकिन कहते हैं कि मन को बिगड़ने में देर नहीं लगती। हमारे मन में काम कैसे प्रवेश करता है? दो तरीके से, एक आंखों के द्वारा और एक कानों के द्वारा। आंखों से आप गलत चित्र देखेंगे तो आंखों के द्वारा काम प्रवेश करेगा, और कानों से आप गलत चीज सुनेंगे तो कानों के द्वारा काम प्रवेश करेगा। एक रोज अजामिल सभी गुणों से विद्वान है, लेकिन एक रोज इन्होंने राह में आते हुए एक वैश्या को देखा, और वो भी एक पर पुरुष के साथ में। तो वैश्या के पास जाकर के कहते हैं, बोले तुम हमारे घर चलो, हमारे साथ रहना। उस गणिका को वो अपने साथ में अपने घर ले आए। अब अजामिल जब उसको लेकर के आए तो उनकी धर्म पत्नी घर में थी। बोले ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नी है। बोले या तो घर में ये रहेंगी या फिर हम रहेंगे। आज अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी को निकाल दिया और उस गणिका के साथ रहने लगे। आज अजामिल जैसा विद्वान ब्राह्मण उस गणिका के सौंदर्य पर मोहित हो गया और घर में ले आया। परम सुशील अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया। अब तो जैसा वो गणिका कहती अजामिल वैसा ही करता। भगवान का भजन करने के लिए बैठा तो गणिका कहने लगी, अरे क्या भगवान का भजन कर रहे हो, जाओ धन कमा के लाओ। तो धन कमाने के लिए जाता, उससे पूर्ति नहीं होती तो गणिका कहती, बोले कैसे भी करो मुझे और धन चाहिए। तो चोरियां करने लगा, मारने लगा। अब तो एक ब्राह्मण डाकू अजामिल के नाम से जाना जाने लगा, चोरियां करने लगा। एक रोज
कुछ संत वहां से निकल के जा रहे थे जहां अजामिल रहता था। तो घर में अजामिल की जो पत्नी है यानी गणिका, वो अकेली है। कुछ संत वहां से गुजर रहे थे तो संतों को भूख लगी, तो किसी को पूछा, बोले भैया इस नगर में क्या कोई ऐसा पुरुष है जो भगवान का भक्त हो और जिसके यहाँ हम भजन कर सके, भोजन कर सके। तो कहते हैं कि गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संतों के साथ हंसी मजाक करते हैं। तो किसी ने कहा, बोले हाँ इस गांव में जो सबसे बड़ा भक्त है अजामिल, और जाओ तुम्हारी खूब सेवा पानी करेगा। सेवा पानी तो करेगा ही करेगा, तुम्हें दक्षिणा भी देगा, और मन में आ गया तो बढ़िया सेवा पानी होगी, जाओ। अब संत तो बड़े सीधे साधे, जो सबके काम सादे वही साधु। अब बेचारे संत महंत तो वहां पहुंच गए, जाकर के दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे कोई है? अजामिल थानी गणिका आई, बोले कहिए महाराज। बोले क्या कुछ खाने के लिए भोजन की व्यवस्था हो सकती है? उस गणिका ने हाथ जोड़ लिए, बोले पहले तो मैं इस काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं तो स्वयं इतनी अपवित्र हूं कि मैं अपने हाथों से आपको कुछ दे नहीं सकती। तो संतों को दया आई, तो बोले अगर तुम कुछ नहीं दे सकती तो तुम सामग्री दे दो, हम अपने हाथों से भोजन बनाएंगे, तुम भोजन मत बनाओ, सामग्री दे दो, हम स्वयं बना करके भोजन ग्रहण कर लेंगे। उस गणिका ने सामग्री दी, संत वो सामग्री लेकर के उसके घर के समक्ष दो वृक्ष था उसके नीचे बैठ करके सामग्री से भोजन बनाया और ग्रहण कर लिया। संत के मन में भाव आया कि हमने इसके द्वारा ये सामग्री ली, इसके घर का अन्न खाया, तो बदले में कुछ ना कुछ तो ऐसा करें ताकि इनकी गति सुधर जाए। तो संत ऐसा विचार कर रहे थे, उधर से अजामिल आया, सर पर काली पट्टी बांधी, हाथ में तलवार लिए हुए घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है, और कहा कि इन साधुओं को यहाँ किसने बिठाया, इन्हें उठाओ यहाँ से। वो गणिका आई, बोले मैंने इन्हें कहा है कि आप यहाँ विराजमान हो जाओ, और गणिका से डरता था, बोले ठीक है तुमने जो किया है वो सही किया होगा। तो अब तो संत जैसे ही वहां से जाने वाले थे तो उस गणिका को बुला करके कहते हैं, बोले हमारे कहने से इतना काम करना कि जो तुम्हारे यहाँ अगली संतान हो, हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख लेना। संत तो कहकर के वहां से चले गए, लेकिन ये जो गणिका है इसके यहाँ जो अगली संतान हुई, संतों के कहने से इसने अपनी संतान का नाम नारायण रख लिया। अब तो अजामिल कहीं भी चोरी करने जाता तो बेटा नारायण, बाहर से आता तो बेटा नारायण, सोते जगते बैठते उठते खाते पीते नारायण नारायण नारायण, अब तो नारायण 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 गाता। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी घर में कोई बालक जन्म ले तो उसका नाम नारायण रखो, कन्हैया रखो, कृष्ण रखो, राम रखो, गोपाल रखो, माधव रखो, राघव रखो, गोविंद रखो, कुछ भी नाम रख लो। लेकिन आजकल तो भैया नाम भी फैशन वाले हो गए। अब आप उदाहरण के तौर पे जैसे आप नाम रखते हो वैसे नाम रखोगे क्या उनसे भगवान अंतिम समय में, क्या आपके मुख पे भगवान का नाम आएगा? अब चिंकी पिंकी रखोगे तो भगवान का नाम कैसे आएगा? इसीलिए संतान का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए। राम रख लो, लक्ष्मण जी रख लो, कितने सुंदर सुंदर नाम है भगवान के, तो वो नारायण नारायण गाता। तो उसकी मृत्यु समीप आती है, तो जब उसकी मृत्यु आई और भगवान के यानी यम के दूत उसको लेने के लिए, प्राणों को खींचने के लिए आए, तो उसके पास उसका बेटा खेल रहा था। तो जैसे ही यमदूत प्राणों को लेने के लिए आए तो उसके मुख से नाम निकला नारायण नारायण। अरे बेटा नारायण जल्दी आ, बेटा नारायण जल्दी आ। अब नारायण नारायण नाम सुना तो प्रभु के पार्षद आ गए। इधर यम के दूत कहते हैं, बोले सारा जीवन इसने बुरे बुरे कार्य किए इसलिए हम इसको यम लोक लेके जाएंगे। और प्रभु के पार्षद कहते हैं, बोले इसने सारा जीवन कुछ भी किया लेकिन अंत समय इसने नारायण का नाम बोला, तो इसीलिए हम इसको प्रभु के धाम लेकर के जाएंगे। तो इस तरह
आज नारायण का नाम लेने से, नारायण नाम उच्चारण करने से अजामिल जैसे पापी को प्रभु के पार्षद प्रभु के धाम लेकर के चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस तरह नारायण नाम लेने से पापों से बचा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रभु का चिंतन ज्यादा करो तो चिंता स्वयं ही कम होते जाएगी। कैसे भी जपिए, सोते हुए जपिए, जगते हुए जपिए, खाते हुए जपिए या पान करते हुए जपिए, लेकिन नारायण नाम जपिए। गोस्वामी जी कहते हैं, भाई कुभाए अनखियाल सहु नाम जपत मंगल दिस दसहु रा सियारा सियारा हो आपका। कई बार होता है कि मन नहीं है तो भी भगवान का नाम जपो, मन है तो भी भगवान का नाम जपो। भाए कुभाए अनख आलस हो, अगर आलस आ रहा है तो भी ईश्वर का नाम जपे, हर क्षण हर समय भगवान का नाम जपे। ऐसा कोई विधि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नियम के साथ ही आप भगवान का नाम जप सकते हो, लेकिन एक नियम है कि भरोसा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपना। अगर भरोसा नहीं है और मन में नाना प्रकार की शंकाएं आ रही हैं, तो ये नाम से आपका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इस तरह नाना प्रकार के प्रसंग सुनाए हैं, जो आप सभी ने भी सुने। आइएगा एक छोटे से भाव के साथ आज की कथा को विश्राम देंगे। एक छोटा सा भाव श्री हरि के चरणों में रखेंगे, और भाव रखने से पहले आप सभी भक्तों को एक सूचना कि कल कथा में कौन सा दिन है, कौन सा दिन है बोलिए, चौथा दिन। तो कल चौथे दिन में रसगुल्लों की कथा आएगी, यानी भगवान श्री राम की कथा आएगी, भगवान राम अवतार की कथा आएगी, और कथा के विश्राम में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो जैसे आप अपने बालकों का जन्म दिवस मनाते हैं, वैसे ही हम अपने कन्हैया का जन्मोत्सव इस पंडाल में मनाएंगे। तो कल का ड्रेस कोड होगा, कल पीले वस्त्र धारण करके सभी ने आने हैं। श्री ठाकुर जी को पीले वस्त्र पसंद हैं, तो कल सभी पीले वस्त्र धारण करके आए। और श्री ठाकुर जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, माखन और मिश्री। तो श्री ठाकुर जी के लिए अगर आप ला सकते हैं तो माखन मिश्री लाएं,
और भाव के साथ कथा में आए। कल भाव के साथ हम जन्मोत्सव मनाएंगे, पूरे आनंद के साथ ठाकुर जी को इस कथा के लिए बाल रूप में हम आमंत्रण करेंगे और ठाकुर जी जन्म लेंगे और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटे से कीर्तन के साथ, जब तक आरती ना हो तो कोशिश करें कि आरती के बाद आप यहां से प्रस्थान करें। आइए, आरती लेने के बाद प्रसाद वितरण होगा, तब आप अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आइए इस भाव को श्रवण करते हुए भाव के साथ, सांवरिया ऐसी तान सुना कि ऐसी तान सुना दे सांवरे और बेना जो तू गा सांवरिया चाहते हैं तो मग्न हो जाइए और भूल जाइए आजू बाजू कोई बैठा है। और भाव के साथ आएंगे क्या, सवरिया ऐसी तान सुना सवरिया पिसरे एक पल, तेरी याद ना पिसरे एक पल, तेरी याद ना पिसरे एक पल, तेरी याद ना पिसरे एक पल,
जीवन में राधा रानी से किस किस को मिलना है, हाथ ऊपर करो, किस किस को मिलना है, और जिसको राधा रानी का दीदार करना है, जो ज्यादा उत्सुक है वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाओ और कहना है कि ब्रज की रानी राधा प्यारी, 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 उनसे हमें मिला सवरिया ऐसी दार सुना, सवरिया ऐसी दार सुना, सवरिया ऐसी दार सुना, ऐसी दार सुना, झूमते हुए गाइएगा दोनों हाथों की तालियां बजाते हुए। राधे 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 रंडो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रंडो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बिल्कुल सीधे सीधे। और क्या कहना है, बोलो राधा रानी की वृंदावन हरिलाल की, राधा रानी सरकार की, और भाव के साथ गाएंगे राधे 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 रंडो चले आएंगे, राधे राधे रंडो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रंडो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रंडो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रंडो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रंडो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रंडो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रंडो चले आएंगे बिहारी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।